अच्छा भाई, शायद आप हजरात ने वेबसाइट के ऊपर जाकर ये चीज नोट की हो कि जो लेक्चर नोट्स अपलोड हुए थे उन लेक्चर नोट्स में वो जो बात हमने पढ़ी थी वो मैंने जरा डायग्राम उसकी खींच के लगा दी थी। वो बात क्या पढ़ी थी शायद आपको याद हो कि फर्नीचर, बेकरी और मेडिसिन के एसेट्स में अगर आप नॉन रिपोर्टेबल के जमा करवें तो ये टोटल के बराबर इसलिए नहीं होंगे कि आपके हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे या आरएनडी डिपार्टमेंट के एसेट्स होंगे। तो ये डायग्राम यहां पे मैंने लगा दी थी, आप मोबाइल को टेढ़ा करके पकड़ेंगे घर में, आपको ये 70 की फिगर याद होगी, 70 की फिगर याद होगी, और 15 जमा 10 जमा 10 बराबर नहीं आ रहा था, तो फिर इसके अंदर जो है वो हमने डाला था, ऑल अदर्स डाले थे, फिर भी टोटल टैली नहीं कर रहा था, 47 आ रहा था। उसमें डिफरेंस मैंने आपको बताया था हेड ऑफिस के एसेट्स हो सकते हैं 23 रुपए के। तो एक डायग्राम आपको ये वाली बताई थी, दूसरी आपको लाइबिलिटीज मैच ना करने की वजह बताई थी, और तीसरी आपको प्रॉफिट मैच ना करने की वजह बताई थी। और प्रॉफिट में मैंने बताया था इन सबका प्रॉफिट 14 है, हो सकता है हेड ऑफिस के खर्चे 2 हों, जिसके बाद ये प्रॉफिट की फिगर क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो इसलिए जिन हजरात ने तस्वीर नहीं ली थी उनके लिए मैंने इसको दोबारा नोट कर दिया था। ओके, बट ये सर्विस आइंदा अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा भाई, कल वाला सवाल निकाल लें, गोहर वाला, गोहर की जानी अभी हम लेंगे। पेज नंबर 453। ओके, वर्किंग वन में हमने क्या किया था, वर्किंग वन में हमने डाटा को सिंप्लीफाई किया था। भाई जन 2-4 मिनट दे दें, जरा रिवीजन करा लेने कल वाले की। वर्किंग वन में हमने डाटा को सिंप्लीफाई किया था, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट और एसेट्स। और उसके बाद हमने ब्लू मार्कर से, रेड मार्कर से हमने तीन चीजों को टेस्ट से गुजारा था, एसेट्स को, प्रॉफिट्स को और टोटल रेवेन्यू को। ये टोटल, कहीं टोटल आता है कहीं एक्सटर्नल आता है, ये ना जरा पूरे टॉपिक में ध्यान रखना, चीजें आसान आसान सी हैं लेकिन मिस हो सकती हैं। तो टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और एसेट्स को हमने गुजारा था 10% टेस्ट से, और उसके बाद 75% टेस्ट लगाया था। इन द एंड हमारे तीन रिपोर्टेबल सेगमेंट निकले थे। ऑपरेटिंग सेगमेंट तो सारे ही हैं, पांचों ऑपरेटिंग सेगमेंट है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो हैं इनमें से रिपोर्टेबल तीन निकले थे, केमिकल, सोडा और फार्मा। तो केमिकल, सोडा और फार्मा की सिर्फ इन्हीं चीजों को नीचे नहीं बुलाना, बल्कि सवाल के सारे डाटा की चीजों को नीचे बुला लेना। वो जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड का पैरा बताया था, आज मैं वो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड से खोल के भी आपको दिखाऊंगा। तो ना सिर्फ इनकी एक्सटर्नल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज को भी नीचे उतार के अलग अलग शो करना है। अब हमने किया क्या था, 67, 444 और 132, इनको हमने नीचे उतार लिया था। नीचे उतार के रिपोर्टेबल अलग अलग रिपोर्ट कर दिए, रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर दिया यूजर को, और इसके अलावा जो 115 और 127 बचे थे इन दोनों को मैंने जमा करके यहां 202 लिख दिया था। ये ऑल अदर सेगमेंट थे, पॉलिएस्टर और पेंट, और फिर इनका ग्रैंड टोटल आ गया था। अब मैं चाह रहा था जरा रिकॉन्सिलिएशन रिवाइज हो जाए, तो लेट्स स्टार्ट रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन रिवाइज करना शुरू करते हैं। रिकॉन्सिलिएशन में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लास्ट क्लास में नहीं डाला था। वैसे रिकॉन्सिलिएशन में चार चीजों की मेन बनती है, इधर तो काफी सारी चीजें आती हैं, इधर मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखाई थी, आज मैं यहां पे आपको स्टैंडर्ड के पैरा नंबर्स भी लिखवाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो रिकॉन्सिलिएशन आमतौर पर चार चीजों की बनती है, टोटल रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, लेकिन कभी कभी आईकैप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बना रहा है, इसलिए मैंने बना दिया यहां, और ये हमने लास्ट क्लास में बनाई नहीं थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली। जरा यहां तक सवाल रिवाइज कर लें, मुझे एसेट्स बता दें रिपोर्टेबल के कितने हैं, रिपोर्टेबल के एसेट्स का लेटर पकड़े, मैंने लास्ट क्लास में जमा करवा दिए थे। रिपोर्टेबल के एसेट्स 637 प्लस 444 प्लस 132 12 12 13, ये रिपोर्टेबल के एसेट्स आ गए। अब अदर देन रिपोर्टेबल, ऑल अदर सेगमेंट्स, इसका नाम हमने यहां रखा था, छोटी छोटी बातें सुने, ऑल अदर सेगमेंट्स इसका नाम हमने यहां रखा था, यहां हमने इनका नॉन रिपोर्टेबल नाम रख दिया था, एक ही बात है। ऑल अदर सेगमेंट्स के एसेट्स पकड़े कितने, 242। ये एसेट्स शायद गोहर लिमिटेड की बैलेंस शीट के एसेट्स से मैच ना करें, अगर नहीं करेंगे तो सवाल वजह बताएगा। सवाल ने कहा है एसेट्स ऑफ 150 हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन एसेट्स ऑफ एनी सेगमेंट। इन एसेट्स में हेड ऑफिस के एसेट किसी सेगमेंट में भी नहीं डाले, वो कितने हैं, इनको अदर एडजस्टमेंट्स के नाम से डाल लें। एसेट्स को एसेट्स में पॉजिटिव साइन के साथ डाला जाएगा, व्हाट विल बी माय टोटल एसेट्स, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर आई है। ये गोहर की अगर बैलेंस शीट दी होती पेपर में तो काश वो दी होती, वहां से हमारी ये फिगर क्या हो जानी थी, रिकंसाइल हो जानी थी। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज भी इसी तरह कर लें, लाइबिलिटीज रिपोर्टेबल की जमा करें, 442 प्लस 355 प्लस 98 895। ये लाइबिलिटीज हो गई केमिकल के क्रेडिटर्स,
सोडा के क्रेडिटर्स और फार्मा के क्रेडिटर्स, मिसाल दे रहा हूं, और ऑल अदर सेगमेंट्स के क्रेडिटर्स ही हैं 202, यानी पॉलिएस्टर और पेंट के, वो कितने हैं 202। अब शायद ये लाइबिलिटीज भी मैच ना करें गोहर लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी नजर आ रही है उससे। इसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है हेड ऑफिस ने अपने बिजली का बिल पे ना किया हो, हेड ऑफिस की भी कोई लाइबिलिटीज हो, हेड ऑफिस ने कोई जनरेटर खरीदा हुआ उसकी पेमेंट ना की हो, तो हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज हमें अदर इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी। लाइन पढ़ें जरा गौर से, लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 27 हैव नॉट बीन एडेड इन एनी लाइबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। ये वाली लाइबिलिटीज कहते हैं मैंने किसी सेगमेंट में नहीं डालनी, तो सेगमेंट में मैं डालने को भी नहीं कह रहा आपको, क्योंकि ये सेगमेंट की लाइबिलिटीज भी नहीं है, ये हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज हैं, इनको डाल दें इधर। कितनी? 27 11 24। ये टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी जो गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करेंगी। डन। नेक्स्ट, ये जो है ना, अब चीजें ये सारा समझनी है। रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपने टोटल रेवेन्यू से शुरू करना है और आपने पहुंचना है एक्सटर्नल पे। इसका तरीका वो मैंने आपको हाथ के इशारे से बता दिया था, आपने ऐसे उठाने टोटल रेवेन्यू, फिगर गलत लिखी मैंने, ऐसे उठाने आपने टोटल रेवेन्यू और इसमें से 38 माइनस कर देना, ये फिगर आ जाएगी। तो इसमें भी इंशाल्लाह आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये तीनों कौन से रेवेन्यू है रिपोर्ट टेबल के, इन तीनों का जमा 22, इन तीनों को जमा किया, इन तीनों को जमा करके आपने अगला काम क्या करना है, आपने कितने ये इस लाइन को जमा करना है, इसलिए मैंने यहां टोटल रेवेन्यू लिखा था, पेपर में गलती ना हो सके। इन तीनों को जमा करें इसमें, 1 2 3, इन तीनों को जमा करें, इसमें आप नॉन रिपोर्टेबल डालें, कितना 474। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मेरा बराबर आए जवाब एक्सटर्नल रेवेन्यू के, जो पी एंड एल के मुंह पे इन्होंने रेवेन्यू शो किया हुआ है वहां से मैच करे। उसका तरीका ये होगा कि 2732 में से 38 माइनस कर दें, अलग अलग माइनस करने की जरूरत होती है, टोटल यहां माइनस कर दीजिएगा। तो ये इस हाथ का इशारा मैंने इसे समझाया था, तो ये 38 माइनस कर दें, आपस के रेवेन्यू एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शंस 38, आपस के रेवेन्यू कैंसिल कर दिए 26। और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अदर एडजस्टमेंट्स में हेड ऑफिस टाइप कोई चीजें आएंगी, कोई हेड ऑफिस की चीजें नहीं आ रही यहां, हेड ऑफिस का सेल होती नहीं, हेड ऑफिस का काम सेल करना ही नहीं। ओवर। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अंदर आपने दो एडजस्टमेंट्स करनी होगी, एक आपने आपस के प्रॉफिट कैंसिल करने होंगे, क्योंकि आपस की सेल भी कैंसिल होगी, वो इसी फिगर को पकड़ के आप प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे, आपस के प्रॉफिट कैंसिल करने होंगे। और दूसरा काम आपने ये करना होगा कि हेड ऑफिस के खर्चे बुक करके प्रॉफिट कम करेंगे, तो आपस के प्रॉफिट कैंसिल करके भी प्रॉफिट कम होगा और हेड ऑफिस के खर्चे बुक करके भी प्रॉफिट इधर क्या पड़े हुए हैं, अगर खर्चे डालने हो तो प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट्स कम करने हो तो भी प्रॉफिट्स, इसलिए साइन भी बताना जरूरी है। तो तीनों के प्रॉफिट पकड़े, ये तो केमिकल का प्रॉफिट है, ये सोडा का प्रॉफिट है, ये फार्मा का प्रॉफिट है, 111। इन प्रॉफिट्स में से सिर्फ इनके केमिकल की बिल्डिंग का बिजली के बिल माइनस में होंगे, सिर्फ इन प्रॉफिट्स में से, इन प्रॉफिट्स को पकड़ लिया 1 2 3, इन प्रॉफिट्स में डालें किसके प्रॉफिट्स, ऑल अदर सेगमेंट्स के, यानी रिपोर्टेबल के 35। ये जो मेरे प्रॉफिट्स आए हैं ये केमिकल सोडा फार्मा का प्रॉफिट है और पॉलिएस्टर और पेंट का ये प्रॉफिट है। अब इसके इन प्रॉफिट्स में आपस की सेल की वजह से होने वाले प्रॉफिट्स भी पड़े हैं, तो क्योंकि आपस की सेल कैंसिल कर दी तो सेल को पकड़ के जीपी परसेंटेजेस जो आपने लगाना सीखी हुई है वो लगा के आपस के प्रॉफिट्स भी कैंसिल करें। मार्जिन इज 30%, मार्जिन का मतलब होता है सेल को आप 100 लेंगे, तो इसलिए सेल को 100 ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 30 से, ये सब प्रॉफिट बाहर आ जाएगा जी। कितना आ गया 11। प्रॉफिट्स कैंसिल करने का मतलब, एलिमिनेट करने का मतलब कैंसिल करना, कैंसिल नेगेटिव साइन से होगा तो कैंसिल कर दिया। इसके अलावा ये 35 ये है और 111 7, तीनों का टोटल है। और आखिरी बात, अब मुझे बता दें तीनों सेगमेंट्स के प्रॉफिट मैंने इधर डाल दिए, दो के मैंने इधर डाल दिए, आपस के प्रॉफिट कैंसिल कर दिए, स्टिल गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट से मैच नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है? हेड ऑफिस खर्चे करवा रहा है, हेड ऑफिस खर्चे करवा रहा है। वो लाइन पढ़ी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस के खर्चे ऑफ 75 विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इधर आपको नजर आ रहे हैं उसमें हेड ऑफिस के खर्चे शामिल, कैसे पता चला? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट, हेड ऑफिस के खर्चे किसी सेगमेंट को नहीं डाले। ये लाइन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, वजह सुन लें। ये लाइन इसलिए कंफ्यूजिंग है कि देखने में लगता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड
कि जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की फिगर में शामिल है, लेकिन इससे मुराद इसका ये नहीं है, क्योंकि फिर देखें दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाएंगी। पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बात में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। पूरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? पूरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो किसी सेगमेंट को नहीं डाल ले। तो फिर ये इंक्लूड कहाँ है? तो मैंने कहा था इंक्लूड शायद ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल में ये इंक्लूड होंगे, या शायद ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो P&L बना होगा उसमें कहीं पड़े होंगे। तो बस ये बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग खर्चे आपने अभी तक इन खर्चों में नहीं डाले। तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए खर्चों को किस साइन के साथ डालूं को प्रॉफिट सही हो जाए? 75। काश मेरे पास गौर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश वाली होती, फाइनल अकाउंट के टॉपिक वाली, तो मैं वो जो प्रॉफिट आता वहां पे, उस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट को क्या कर लेता? मैच 10। लेकिन अभी मैं मैच नहीं कर सकता। नेक्स्ट आखिरी चीज है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं डलवाए थे, वो डलवा दें। इन तीनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जमा करें 63, 57 और 12। 132। नेक्स्ट अब आप मुझे बता दें इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 39। ये कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 63 प्लस 50। प्रॉफिट टोटल कराते हैं तो बताएं ना क्या चीज है। 66 बैलेंसिंग सर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब आप तीनों को, इधर एक भाई बैठे होते हैं, वह छुट्टी में है, छुट्टी में ना, किधर बैठे होते हैं? मैं कल आप बताऊंगा, आप अभी तो नहीं समझता कौन। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लास अजीब सी लगती है, मिसमैच हो जाती है, कोई एक भी छुटी पे हो, जहां जहां पे बैठे। नहीं नहीं, आप नहीं, कोई और है, नहीं वो हाँ टू ले रहे, मुझे बताएं। 63 प्लस 57 प्लस 12। 132। अच्छा जी, एक बार याद रखिएगा, खर्चों में आपस की सेल का प्रॉफिट नहीं पड़ा होता, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। जो आपस की सेल का प्रॉफिट है वो जीपी में पड़ा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ा होता है, वो हमें सवाल में दिया नहीं। लेकिन एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो मैं यहां करूंगा, वो कौन सी एडजस्टमेंट है? ऑपरेटिंग खर्चों में 75 के हेड ऑफिस के खर्चे नहीं पड़े। अब आप मुझे कहेंगे ऑपरेटिंग खर्चों में अगर हेड ऑफिस के खर्चे नहीं पड़े तो सर आपने अभी तो खर्चे डाल लिए हैं, तो फिर आप क्यों इस 75 को दोबारा ले रहे हैं? भाई मैंने कहा था इस टॉपिक में आपने डबल एंट्री के अप्रोच से नहीं चलना, इस टॉपिक में आपने हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग लेके चलना है। मुझे बताएं क्या मैं जो प्रॉफिट पकड़ रहा हूं वो सवाल से पकड़ रहा हूं ना, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके, तो प्रॉफिट सवाल से पकड़ रहा हूं, खर्चे भी कहां से पकड़ रहा हूं? सवाल से पकड़ रहा हूं। तो ये सवाल वाला प्रॉफिट है, तो ये सवाल वाला प्रॉफिट है, तो इसमें खर्चे सवाल के नीचे कह रहे माइनस नहीं हुए, और ये सवाल वाले खर्चे हैं या कोई इस फिगर को यूज करके मैं आगे चल रहा हूं सही वाली फिगर को, तो इसका मतलब है ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, इसमें खर्चे माइनस करके रिकॉर्ड होंगे और ये अनएडजस्टेड खर्चे हैं। अगर मैं कोई एडजस्टेड चीज उठा के आगे चल रहा होता ना, तो फिर आप मुझे कहते हैं आप डबल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मैं डबल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, दीज आर अनएडजस्टेड प्रॉफिट, सो एडजस्ट फॉर खर्चे बाय डिडक्शन। दीज आर अनएडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो एडजस्ट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय एडिंग द खर्चे इन खर्चे। 70। तो ये ना कि डबल रिकॉर्डिंग होगी। 246 बैलेंसिंग, हाँ आ सकते हैं अगर आगे तो वो बता देगा, उसमें फिर वो उनको एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन वो नहीं टेस्ट करेगा आपसे। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि ये दोनों कॉलम क्या हैं? रीकंसाइलिंग आइटम्स हैं। रीकंसाइलिंग आइटम्स में क्या चीजें आ सकती हैं, इसको अब मैं आपको शो करने लगा हूं एक और डायग्राम के जरिए, ताकि आपको जरा बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। पेज नंबर 440, पेज नंबर 440। सबसे पहले पेपर में हमने क्या करनी होती है? वर्किंग वन, उसमें क्या क्या आता है? एक्सटर्नल डेटा, इंटरनल सेल, ना ना टोटल सेल तो नहीं, इंटरनल भी आती है और टोटल आती है और प्रॉफिट्स आते हैं और बेसिक डेटा में, इसके अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं आएगी। और फिर उसके बाद आपने काम करना है, आपने रेड मार्कर पकड़ के इन तीनों पे स्टार लगाना है, और इन तीनों पे स्टार लगा के इनको किस टेस्ट से गुजारना है? 10% टेस्ट। इन द एंड आपने ब्लू मार्कर पकड़ के आपने किसको टेस्ट स्टार लगाना है? एक्सटर्नल सेल को, और एक्सटर्नल सेल को फिर आपने स्टार लगा के किस टेस्ट से गुजारना है? ये सारा काम कर लेने के बाद आप
यहां पे पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन की रीजन ही देनी, अगर रीजन मांग ले तो रीजन भी दे देनी है, जैसे पास पेपर के क्वेश्चन वन में दी हुई थी। ये चीज मैं नोट में शो नहीं करा, अगर पेपर में डेटा दे देना तो ये शो कर दीजिएगा। ये चीज मैंने आपको दिखाई थी पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये क्या चीज है? ये भैया नोट 37 है, यूजर के सामने जाने। नोट 37.1 है, ये भी यूजर के सामने जाने। इससे ऊपर ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि केमिकल में कौन कौन से केमिकल आप बनाते हैं। सोडा है तो क्या सोडा है? हम तो समझ रहे हैं बोतल वाला सोडा है, तो आप बताओ कौन सा सोडा है ये? शायद हमें तो कोई और सोडा लग रहा है, ये बोतल वाला सोडा तो नहीं बनाते होंगे। तो फार्मा है तो फार्मा से मतलब फार्मास्यूटिकल में कौन सी दवाइयां क्या है। तो अगर कभी पेपर में डेटा दे दे कि केमिकल्स के ऑपरेशन ये हैं, तो बस वो लाइनें आपको एज इट इज इंग्लिश में ऐड करनी पड़ेंगी। तो पैकेजिंग फलां कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, रियल एस्टेट है, अदर्स है, इस तरह की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ सकती है। इसके बाद सेगमेंट एनालिसिस हमारा शुरू हो जाएगा। इसमें एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, जो जो डेटा पेपर में दिया हो, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, टैक्स एक्सपेंस, इंपेयरमेंट लॉसेस, वो सारा आपको दिखाया था। इसमें शायद सवाल के शुरू में हमारे पांच थे, पांच में से शायद कोई तीन बच गए थे और दो को हमने अदर में डाल दिया होगा। इस अदर की जगह मैंने लफ्स यूज किया था, आप भी यही लफ्स यूज कर लें, ऑल अदर सेगमेंट्स, ऑल अदर सेगमेंट्स। ये हो गए जी। इसमें क्या क्या डालना है? रेवेन्यू, इंटरनल सेल, टोटल सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी लिस्ट में भाई चीजें आ सकती हैं, ऐसे ऐसे कर दें, और भी लिस्ट में चीजें आ सकती हैं। वो मैंने आपको स्टैंडर्ड में कल भी दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगा। ये नोट 37 हो गया, 37.1। रिकॉन्सिलिएशन स्टैंडर्ड में चार चीजों की लिखी हुई है, लेकिन आईकेप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बता रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इससे ज्यादा की भी रिकॉन्सिलिएशन बना सकती है। रिकॉन्सिलिएशन किसी भी चीज की बना ले, आपकी मर्जी है। रिकॉन्सिलिएशन कम से कम इन चीजों की आपने बनानी है, टोटल रेवेन्यू की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की, प्रॉफिट की, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। रिपोर्टेबल में उन तीनों का जमा आ जाएगा, और अदर देन रिपोर्टेबल में वो दो आ जाएंगे। इसके बाद ये असल में मैंने आपको ना दिखाने के लिए यहां लाया हूं, यानी आपको घरों से बुलाया जिसलिए, और आप घर से आ गए जी। अब मैं आपका टेस्ट लेने लगा हूं, यहां पे क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू नहीं आएगा, यहां पे आपस की सेल आएगी जो 38 थी, और साइन कौन सा यूज होगा? नेगेटिव। बस ये मैंने दिखाने के लिए आपको यहां लाया था, यहां आपस की सेल आएगी और नेगेटिव साइन के साथ आएगी। सेल में और कुछ कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको याद रह जाए, और इसको ऐसे कर दिया यहां पे, बल्कि इसको ऐसे कर देते हैं, यहां कोई चीज नहीं आएगी, और यहां कोई ना कोई फिगर आएगी जो नेगेटिव के साथ आएगी। डन। ये गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर देगी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग खर्चों में, ऑपरेटिंग खर्चों में आपने यहां पे कुछ नहीं डालना, ऑपरेटिंग खर्चों पे यहां पे आपने हेड ऑफिस के खर्चे डालने, यहां पे अपने हेड ऑफिस के खर्चे डालने। डन। एक बार नोट करते रहे सोच के, और ऐड करने हैं भाई, खर्चों में खर्चे ऐड होते हैं। प्रॉफिट्स, ये तीन का प्रॉफिट आ जाएगा, वो कौन सा था? केमिकल, सोडा और फार्मा। इधर पॉलिएस्टर पेंट के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इधर ना ये जो लाइन है ना, इसका प्रॉफिट आएगा, और ये भी माइनस होगा, इसका प्रॉफिट आएगा माइनस साइन के साथ। और इसके बाद हेड ऑफिस के खर्चे, या आरएनडी डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, वैसे मैंने आपको कहा था हेड ऑफिस या आरएनडी डिपार्टमेंट के खर्चे, या सादा सा रूल, इन पांच सेगमेंट्स के अलावा कोई और खर्चे किए आपने वो सारे चला देंगे। नेक्स्ट, ये तो आसान है यार, सेगमेंट एसेट्स आगे तीन के, सेगमेंट लाइबिलिटीज दो की आ गई, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इधर कोई नहीं है भाईजान, एलिमिनेशन कोई नहीं है। इधर आएगा प्लस 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 प्लस, प्लस करेंगे हेड ऑफिस के एसेट्स, और इधर प्लस करेंगे हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज। और ये जो मैंने आपको दो हाईलाइट कर दिया ना, इनको कहते हैं, इनको कहते हैं रिकंसाइलिंग आइटम्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आईकैप आपको टोटल दे दे, तो फिर ये वाली फिगर क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग आ जाएगी। चलें जल्दी जल्दी बताएं, रिकंसाइलिंग आइटम। टोटल रेवेन्यू में से कौन सा रेवेन्यू माइनस कर दें? इंटरनल, तो एक्सटर्नल आ जाएगा। इस रेवेन्यू का प्रॉफिट इधर माइनस कर दें, और हेड ऑफिस के खर्चे भी माइनस कर दें ताकि फाइनल प्रॉफिट आ जाए। इधर हेड ऑफिस के एसेट्स ऐड कर दें, इधर हेड ऑफिस की लायबिलिटीज ऐड कर दें।
परिंडे में रेडी हैं? ओके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेकरी चल रही है मिसाल के तौर पे, उसका जो है वो कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, वो फार्मास्यूटिकल का काम भी कर रही है, इसी के साथ साथ वो बोलते जाना वो जो थे गोरमे के, इसके साथ उनका कोई चैनल भी है, इसके बाद उनका कोई फर्नीचर भी है। अच्छा इसके बाद इनका न्यूज चैनल ऊपर आ गया ना, मैगजीन और चलो रेस्टोरेंट कर लें, रेस्टोरेंट और बेकरी शायद अलग चीजें हों, कुछ भी डाल दें यार, साइकिल बनाना शुरू कर रही हैं। अच्छा इसके बाद मार्क कीजिए। अच्छा इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस अबाउट टू स्टार्ट है, शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा इनका हेड ऑफिस है, भैया बड़ी टेंशन चाहिए आपकी। इसके अलावा इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये जो सारे हैं ना, ये सारे इसको डाल के आपने तीन सवाल पूछने हैं। इसको डाल के स्टार्टअप ऑपरेशंस भी हो सकते हैं आपके, ये रियल एस्टेट का काम शुरू करने वाले हैं उसको भी आप इस काबिल समझ सकते हैं कि ये हमारा एक बड़ा ऑपरेशन है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं या नहीं, पहला ये सवाल होगा, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं या नहीं, उसके लिए आपने तीन सवाल पूछने हैं। उसके लिए आपने कौन से पूछने हैं? तीन सवाल। ऑपरेटिंग बताने लगा, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग बताने लगा, बिल्कुल नई बात करने लगा। ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं या नहीं, इसके लिए आपने तीन सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कमा रहे हैं? यस, इसलिए जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इस वजह से हेड ऑफिस और आरएनडी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। पहला सवाल आपने क्या पूछना है? और भाई जान कुछ नहीं लिखना, सब अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, बस इधर आप अपने नजरें मरकूज रखें। क्या ये लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कमा रहे हैं? हां कमा रहे हैं। किसी ने एतराज किया कि रियल एस्टेट नहीं कमा रहा रेवेन्यू, सिर्फ अभी खर्चे कर रहा है, अभी ये बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं। स्टैंड कहता है कोई मसला नहीं, खाली खर्चे कर रहे हैं तो भी मेरी नजर में ऑपरेटिंग सेगमेंट है, क्योंकि इट इज अबाउट टू अर्न रेवेन्यू सून। ऊपर वाले पांच रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट रेवेन्यू नहीं कमा रहा, और भाई जान एमसीक्यूज आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं, अटेंड हो रहे हैं, ये रेवेन्यू कमाने वाला है और खर्चे करवा रहा है। ये सिर्फ खर्चे करवाएगा, कभी रेवेन्यू नहीं कमाएगा, ये सिर्फ खर्चे कराएगा, कभी रेवेन्यू नहीं कमाएगा। इसलिए ऊपर वाले पांच को उठाकर डाल दें कहां? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में। रिपोर्टेबल कहां बोल दिया यार, कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने। इन पांचों को क्या नाम रखें? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जब ये पांचों आ गए ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में, तो अभी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बने। दो सवाल मैं और पूछूंगा इनसे, दो सवाल और पूछूंगा। पहला सवाल, क्या रेवेन्यू और खर्चे करा रहे हो? जी, चलें जी। दूसरा सवाल, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जो कि अक्सर सीईओ होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इनको अलग अलग देखने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, या उसकी नजर में मार्की और बेकरी एक ही है? अगर उसकी नजर में मार्की और बेकरी एक ही है तो फिर एक ही है, फिर अलग अलग नहीं है। क्या आपके चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जब डिसीजन करने बैठता है तो आपसे कहते हैं कि इन पांचों का डाटा अलग अलग लाओ? जी 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 कहते हैं। अच्छा ठीक है। और तीसरा सवाल, क्या आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लेजर अकाउंट्स अलग अलग ओपन किए हुए? सेल बेकरी, सेल फार्मा अकाउंट, सेल चैनल, सेल फर्नीचर, क्या आपने टी अकाउंट सबके अलग अलग बनाए हुए हैं? हां जी बनाए हुए हैं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब यस आ जाए तो उसको कहेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसके बाद इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की तीन चीजें पकड़ेंगे हम। टोटल सेल, हो सकता है इसकी जीरो हो, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स, और उनको 10% टेस्ट से गुजारेंगे, और इन द एंड एक्सटर्नल सेल के 75% टेस्ट से गुजारेंगे। हो सकता है रियल एस्टेट के एसेट्स इतने खरीद चुके हों हम कि रियल एस्टेट के बिजनेस को भी हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में रिपोर्टेबल में डालना पसंद करें। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए तीन क्राइटेरिया है। नंबर वन, रेवेन्यू और खर्चे, जरूरी नहीं रेवेन्यू कमा रहा हो, कमाने की नियत हो फिर भी आ सकता है। नंबर टू, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आपका इन सब का डाटा अलग अलग मंगवाता है। और नंबर थ्री, जब आप नोट बनेगा, नोट मिसाल के तौर पे मैं नोट बनाने लगूं और मैं कहूं जी फर्नीचर और मार्की के हालात बड़े मारे जा रहे हैं, ये तो नॉन रिपोर्टेबल है, और मेरी बेकरी, फार्मा, चैनल और रियल एस्टेट रिपोर्टेबल है, तो एक को मैं ऐसे ही उड़ा देता हूं इधर से ताकि जरा बात करनी आसान हो जाए। तीन दो का हमारा रिदम चल रहा है पिछले टॉपिक से। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बेकरी, फार्मा और रियल एस्टेट, ये रिपोर्टेबल बन गए और ये दोनों क्या बन गए? नॉन रिपोर्टेबल। तो रिपोर्टेबल की चीजों को रिपोर्ट कर देंगे, नॉन रिपोर्टेबल की चीजों को इकट्ठा करके शो कर देंगे, स्टिल ये ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं करेंगे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन तो ये है,
और आपने इनको रिपोर्टेबल में डाले और इनको नॉन रिपोर्टेबल में डाला, ऑर्गेनाइजेशन तो ये है। तो ऐसी सूरत में ये जो आइटम्स होंगे ये रिकंसाइलिंग के तौर पर जाया करेंगे, इनके लिए हमें अदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और हेड ऑफिस के एसेट्स भी डालने पड़ेंगे, हेड ऑफिस की लायबिलिटीज भी डालनी पड़ेंगी, हेड ऑफिस के खर्चे खर्चों में डालने पड़ेंगे, हेड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट में से माइनस करने पड़ेंगे। और एक छोटी सी एडजस्टमेंट होती है वो इस 38 की होती है, वो बड़ी आसान है, वो 38 की ओवर इसका प्रॉफिट उठाना पड़ेगा। तो ये सारा इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सामने रखकर हम डिसीजन लेंगे। ये पहली बात समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरी बात मोहतरम यह है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, पहले इसको पढ़ लें फिर मैं ये नोट करेंगे, इंशाल्लाह टाइम आपको दे दूंगा। हम पहले किताब से पढ़ेंगे सारा, इन द एंड क्लास में आखिरी 5 मिनट हम पॉज लेंगे और ये सारी बातें स्टैंडर्ड में से हाईलाइट करेंगे। ऑपरेटिंग सेगमेंट पेज नंबर 434, स्टैंडर्ड ना खोलें अभी, स्टैंडर्ड का पैरा 5। ऑपरेटिंग सेगमेंट, मैं उन 5 की बात करने लगा हूं या 7 चीजों की बात करने लगा हूं? 7 की बात ही करने लगा, 5 जिनको मैंने ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाया था, 2 को तो मैंने फारिग कर दिया ना ऑपरेटिंग सेगमेंट से, हेड ऑफिस कॉल्स को। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट मीट्स द ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर 1, इट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज, खोल ले 7। इट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम व्हिच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंड, इंक्लूड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर कस्टमर, और इसमें आपस का रेवेन्यू भी आता है। मतलब पेपर में एक सवाल आया, पेपर में एक सवाल आया कि फर्नीचर वाले सिर्फ इंटरनल सेल करते हैं, एक्सटर्नल सेल नहीं करते, कभी बेकरी को फर्नीचर बेच रहे हैं, कभी मार्केट को फर्नीचर बेच रहे हैं, कभी फार्मास्यूटिकल को फर्नीचर बेच रहे हैं, तो फर्नीचर वाले सिर्फ इंटरनल सेल करते हैं। इज इट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट? जल्दी नहीं करनी, ब्रैकेट वाली बात पढ़कर जवाब दे दें। इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, अगर आप सिर्फ आपस की सेल करते हैं, स्टिल यू आर ऑपरेटिंग सेगमेंट। अगर आप आपस की सेल करते हैं, सेम एंटिटी के अंदर ही सेल करते हैं, फिर भी आप ऑपरेटिंग सेगमेंट है। नेक्स्ट, इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स से मुराद या प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं वैसे। इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय एंटिटी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, रेगुलरली वो इनको चीजों को मंगवाता रहता है टू मेक डिसीजंस। डिसीजन क्यों करने होते हैं? रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए, कि ये ज्यादा अच्छा जा रहा है इसको ज्यादा पैसा दे दो, ये कम जा रहा है इसको कम पैसा दे दो, एंड टू असेस इट्स परफॉर्मेंस। तीसरी शर्त, कुछ याद नहीं करना, पैरा 5 में दिया होगा। तीसरी शर्त, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्रीट क्या होती है? ये मैंने आगे समझने के लिए लिखा है, ये वाली ब्रैकेट वाली बात शायद आपको स्टैंडर्ड में ना मिले। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बात स्टैंडर्ड में नहीं होगी। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? अलग अलग डेटा इसका अवेलेबल हो। टी अकाउंट सेल का अकाउंट अलग हो, इनके एफएक्स एसेट का अकाउंट अलग हो, अलग होगा तो अलग कर सकेंगे ना, वरना अलग ही नहीं कर सकेंगे। अब ये 2-3 बातें मैंने की हैं वो इसने यहां लिख दी हैं। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट मे एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यू, रियल एस्टेट फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टअप ऑपरेशन मे बी ऑपरेटिंग सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने से पहले भी इनको क्या कहा जा सकता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। नॉट एवरी पार्ट ऑफ एंटिटी इज नेसेसरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज बहुत आसान होती है, थोड़ा सा बस यूज टू और फेमिलियर हो जाए इससे। सी फाइनल में तो वैसे खुद ही पढ़नी होगी, क्योंकि टीचर वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा सकेंगे, सिलेबस इतना होता है। नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट और पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी कि ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हिस्से ऐसे होंगे ना ऑपरेटिंग सेगमेंट होंगे, ना किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट का पार्ट बन सकेंगे, फिर उनका क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट, जैसे आर एंड डी डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा लग हो ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी डिपार्टमेंट लग हो सकता है। सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स मे नॉट अर्न रेवेन्यू और मे अर्न रेवेन्यू दैट आर ओनली इंसिडेंटल। इंसिडेंटल होते हैं, हादसाती तौर पर रेवेन्यू कमा लें। मिसाल के तौर पर हेड ऑफिस क्या आपने जनरेटर बेचा, प्रॉफिट आ गया, जैसे हमने IAS 41 में भी ये लफ्ज पढ़ा था इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, लेकिन हादसाती तौर पर प्रॉफिट आ गया। हेड ऑफिस का प्लांट बेचा, प्लांट तो नहीं होगा उसमें, जनरेटर होगा, हेड ऑफिस का जनरेटर बेचा तो प्रॉफिट आ गया। तो ये इंसिडेंटल प्रॉफिट है, हादसाती तौर पे प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं था। हेड ऑफिस आपने इसलिए नहीं बनाया कि उसकी कुर्सियां बेचेंगे, वो बेची प्रॉफिट आ गया तो अल्लाह की तरफ से, बस शुक्र करें। फॉर एग्जांपल, अ कॉर्पोरेट हेड ऑफिस सम फंक्शनल डिपार्टमेंट मे नॉट अर्न रेवेन्यू और मे अर्न रेवेन्यू दैट आर ओनली इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। वो इंसिडेंटल है, आपकी एंटिटीज की एक्टिविटीज से हादसाती तौर पर आ रहे हैं, आपका मकसद नहीं है, एंड वुड नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होंगे, हेड ऑफिस वगैरह ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होंगे। अच्छा, हमने कहा भाईजान ये किसका नाम है? CODM। हमने तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम सुना था, हमने तो डायरेक्टर्स का नाम सुना था, हमने तो जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम सुना था, चीफ अकाउंटेंट का नाम सुना था, ये क्या है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर? कहता है ये मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ रहा हूं। कहता है ये कोई जरूरी नहीं है कोई एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में। कहते चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन, कहते ये एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बंदा नहीं है, नॉट नेसेसरली अ मैनेजर, कोई बंदा जरूरी नहीं है, ये एक फंक्शन है विद अ स्पेसिफिक टाइटल। दैट फंक्शन इज, इनका काम क्या होता है COODM का? That function is to allocate the resources, जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में resources कर सके मैनेज। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कॉलेज के अंदर, अब गार्ड नहीं बता सकता
कि भाई जान इधर की बजाय इधर ये कर दें, ये पंखा इधर लगा दें, ये चीज उधर कर दें, लेकिन सर हम जो भट्टी साहब कहें जी ये इधर लगा दें, ये इधर कर दें, वो इधर कर दें, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नजर आ जाते हैं स्ट्रक्चर देख के कि यार किधर किसकी चल रही है इसकी, और जिसकी चल रही है कई बार घर में सीओडीएम मम्मी होती है, कई बार घरों में सीओडीएम अब्बू होते हैं, तो दो तीन दिन घर में लेकर पता चल जाता है किसकी चल रही है। तो सीओडीएम कहते हैं बस वो बंदे जिसकी चल रही है, तो कहते हैं हरकतों से पता चलेगा किसकी चल रही है, किसी टाइटल को नाम ना दे देना सीओडीएम का, तो हरकतों से इन द एंड आप पहुंचेंगे किसी टाइटल की तरफ ही, लेकिन एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो सीईओ नाम रख देने से नहीं होगा, और सीईओ को लिफ्ट भी ना करा रहा हो और डायरेक्टर्स अपनी मर्जी चला रहे हो। तो द सीईओ डीएम आइडेंटिफाइज अ फंक्शन नॉट अ मैटर विद अ स्पेसिफिक पोस्ट, दैट फंक्शन इज टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी। ऑफन द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इज सीईओ, ऑफन कभी कभी ये सीईओ हो जाता है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ, कभी कभी ये सीओओ हो जाता है, कभी कभी ये सीईओ हो जाता है, बस हो जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, हो सकते हैं तीन चार डायरेक्टर मिलकर जो है वो ये काम संभाल रहे हो, तो हो सकते हैं, और अदर्स ओ और अदर्स फिर तो जो मर्जी डाल दो। तो वैसे जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है डेट विल बी कॉल्ड एज बोले सीओडीएम। तो ये जो हो गया ना पॉइंट टू, तो पॉइंट टू की थोड़ी सी वजाहत उसने करनी थी, वो इसने नीचे लाके कर दी। ओके इधर देखें, इंटरेस्टिंग सवाल है, उसका फिर आपने जवाब देना है मुझे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट करें यही ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी हम ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, दो किस्म की बनाते हैं, केमिकल, सोडा, फार्मा और ऑल अदर सेगमेंट्स की एक रिपोर्ट बनाते हैं, और एक रिपोर्ट बनाते हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के। फिर पंजाब वाली रिपोर्ट में क्या आता होगा, पंजाब वाली रिपोर्ट में तो केमिकल, सोडा, फार्मा जमा करके सारा आता होगा। अब सवाल क्या है कि जियोग्राफिकल बेस पर पेपर में सॉल्व करें, हम चार कॉलम डालें, समझे, समझ रहे हैं बात को, बात उठ रही है, जियोग्राफिकल बेस पे डालें, नंबर वन क्या पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, क्या इस बेस पे करें या प्रोडक्ट वाइज करें। कहते हैं ये मसला आपको आया करेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह काम शुरू कर दिया है, वो दो रिपोर्टें बना रहे होते हैं, सूबा वाइज अलग बना रहे होते हैं रिपोर्ट रीजन वाइज, एंड नंबर टू प्रोडक्ट वाइज अलग बना रहे होते हैं। और जो जो बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी जो मोबाइल बेचती है, ये तो बनाती ही दो रिपोर्टें हैं, ये मोबाइल्स कंट्री वाइज भी देखते हैं कितने के बिके, और मोबाइल का मॉडल वाइज भी देखते हैं कितने के बिके। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन चक्रों में ऑर्गेनाइजेशन पड़ गई हैं, कहते हैं मेरा मशवरा सुन लो फिर, ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि दोनों तरह के तो नहीं अब आप बना सकते, सीओडीएम की चाहते ही नहीं मुकरी, सीओडीएम चाहता है जरा दोनों तरह की रिपोर्ट मुझे बना के ला दो, तो तूने पागल बनाया। आईएफआरएस कहता है फिर पहला आठ तेरे लिए, हर दिमाग सीओडीएम। फॉर मेनी एंटिटीज, फॉर मेनी एंटिटीज द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस सीओडीएम की चाहते हैं और अलग अलग डेटा। फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, आमतौर पर कहते हैं बड़ा क्लियर हो जाता है कि सीओडीएम की चाहत क्या है। ताहम एन एंटिटी मे प्रोड्यूस रिपोर्ट्स इन विच इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आर प्रेजेंटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज, वैरायटी ऑफ वेज की मिसाल लिख लें, प्रोडक्ट वाइज और जियोग्राफिकल, वैरायटी ऑफ वेज प्रोडक्ट वाइज और जियोग्राफिकल, वैरायटी ऑफ वेज को अंडरलाइन करें, प्रोडक्ट वाइज और जियोग्राफिकल। क्या करें फिर अगर प्रोडक्ट वाइज और जियोग्राफिकल हो रहे हैं, तो क्या करें, इफ द सीओडीएम यूज मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, इफ द सीओडीएम यूज मोर देन वन सेट ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, अदर फैक्टर्स में आइडेंटिफाई अ सिंगल सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो अदर फैक्टर्स लगाएं इन तीन के अलावा फैक्टर्स, तो मैं कह सकता हूं ये तीन मेन फैक्टर्स हैं और ये जो नीचे तीन आने लगे हैं वो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। कुछ और फैक्टर्स आप लगाएं, अदर फैक्टर्स को अंडरलाइन करें, ये अदर फैक्टर्स हैं, अदर देन नहीं अदर देन पैरा फाइव, अदर देन पैरा फाइव, फिर आप अदर फैक्टर्स लगाएं ताकि आपको कुछ सिंगल सेट समझ तो आए, सिंगल सेट कंपोनेंट्स का समझ आए जो कि कॉन्स्टिट्यूट करे आपका क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर आप नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज देख लो, कौन क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम देख लो, ये मैनेजर्स हैं, ये सीओडीएम नहीं है, ये मैनेजर्स हैं। सीओडीएम का होगा सीईओ, सीओडीएम होगा सीईओ, और मैनेजर्स क्या होंगे, केमिकल का जैसे ही प्रॉफिट कम आया, ओए अंजुम को बुलाओ, अंजुम साहब आपको केमिकल का मैनेजर बनाया हुआ है, आपको केमिकल का मैनेजर जो है वो झक मारने के लिए बनाया हुआ है, क्या किया आपने, चलो अंजुम निकल जाओ मेरे कमरे से। अच्छा सुल्तान को बुलाओ, सुल्तान भाई जान सोडे खुद ही पिए जा रहे हैं, क्या चल रहा है सोडा में, आपको सोडा का मैनेजर बनाया हुआ है, ये सीईओ बातें कर रहे हैं, सीईओ बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये देखेंगे कि मैनेजर्स कहां लगाए हुए हैं, अगर मैनेजर सूबा वाइज लगे हुए हैं तो फिर सूबा वाइज बना दें, और अगर सीओडीएम ने मैनेजर सूबा वाइज नहीं लगाए हुए बल्कि जो क्लास ने रिपोर्टें दोनों मंगवाता है लेकिन मैनेजर सिर्फ कौन से लगाए हुए हैं, प्रोडक्ट वाइज, तो फिर प्रोडक्ट वाइज कर दें। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम,
एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू बीईडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो फाइनल मीटिंग में दिया जाता है डेटा वो सुपरवाइज दिया जाता है या तो वहां से आप जज कर लें. तो इनको आप कह सकते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स. सेकेंडरी फैक्टर्स मेन फैक्टर्स किस पैरा में है? फाइव में. लेकिन अगर वो ना लग सके तो ये फैक्टर. लेकिन ये बातें भाई क्या कैसे टेस्ट करेगा? मेरा नहीं ख्याल. ऐसे बस पैरा नंबर ध्यान में रख लें. कोई ऐसा पेपर में कम से कम किसी एमसीक्यू में आ सकता है. ये तीन की बजाय चौथी चीज दे देगा आपको, तो आपने वो क्रॉस करनी होगी एमसीक्यू में. ये तीन चीजें देखनी है, चौथी चीज नहीं देखनी. ओके, अगले पैरे को छोड़ें, उससे नीचे वाला पैरा आए. कहते हैं जिंदगी के किसी मोड़ पे आप ऐसे खर दिमाग लोगों के पास जा सकते हैं. भाई जन अटेंटिव है सारे? जिंदगी के किसी मोड़ में आप ऐसे खर दिमाग लोगों के पास जा सकते हैं जो के सूबा वाइज भी रिपोर्टें बना रहे हो, प्रोडक्ट वाइज भी. सूबा वाइज भी मैनेजर रखे हो, प्रोडक्ट वाइज भी मैनेजर रखे हो. सूबा वाइज भी डायरेक्टर को रिपोर्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज भी मैनेजर को रिपोर्ट दे रहे हैं और डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दे रहे हैं और मैनेजर भी अलग अलग बने हुए हैं सूबा वाइज भी प्रोडक्ट वाइज भी. कहते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर्म. ये पता नहीं मैट्रिक्स बन गई है कोई. कहते हैं यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या करें. द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरा फाइव मे अप्लाई टू टू और मोर ओवरलैपिंग सेट ऑफ कंपोनेंट्स. ओवरलैपिंग समझ आ गया? लिख लेना ओवरलैपिंग. जियोग्राफिकल या प्रोडक्ट. द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरा फाइव मे अप्लाई टू टू और मोर ओवरलैपिंग सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर विच मैनेजर्स आर हेल्ड. अब ओवरलैप कर गए ना, हमें समझ नहीं आ रही. अगला सफे यार, अगले सफे में दूसरा पैरा है. कहते हो तो मैं आ जाता हूं आप तक. अच्छा, डेट स्ट्रक्चर इज समटाइम्स रेफर टू एज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, इन सम एंटिटीज सम मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लाइंस वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड वो चीजों को प्रोडक्ट्स को देखते हैं. वेयर एज सम अदर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल. उधर भी मैनेजर, इधर भी मैनेजर. मैनेजर की बारिश लगी है, मैनेजरों की बारिश लगाई है. कुछ पश्तो वाले कहते हैं समझ नहीं आती. खैर है, इनका राइट है. द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यूज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बोथ सेट ऑफ कंपोनेंट्स. और सीओडीएम ऐसा खर दिमाग है कि रिपोर्टें भी अलग अलग मंगवाता है और सुल्तान की बिस्ती भी अलग करता है और नाहयान की बिस्ती भी अलग करता है एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दोनों की अलग अलग है. अब मैंने छुपा दिया, क्या करो, क्या करें? सवाल छोड़ दो. कहते हैं इन दैट सिचुएशन यू विल बी इन सी. आप एक समंदर में अपने आप को फील करेंगे. इन दैट सिचुएशन आप चांद पे फील करेंगे अपने आप को. द एंटिटी डिटरमाइन व्हिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स. व्हिच सेट? दो सेट कौन से हैं? ज्योग्राफिकल और वो. व्हिच सेट ऑफ कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑपरेटिंग सेगमेंट बाय रेफरेंस टू द कोर प्रिंसिपल. कोर प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया नहीं. तो कहते हैं आप कोर प्रिंसिपल देख लो. कोर प्रिंसिपल होते हैं स्टैंडर्ड की दुखती रग, स्टैंडर्ड की नबज पकड़ो. पैरा वन क्या चाहता है? फिर पूछो पैरा वन क्या चाहता है. पैरा वन क्या है? An entity shall disclose. Drop scene होने लगे, हमें बताया जाने लगा product wise चीजें बनानी है या geographical wise बनानी है. An entity shall disclose information to enable users. Users कैसे बेहतर समझेंगे? An entity, अब ये ना कहेंगे यूजर भी दोनों इंशाल्लाह कहीं तो जाके ब्रेक लगानी है. An entity shall disclose information to enable the users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of business activities. जिससे यूजर ज्यादा कंफर्टेबल फील करें कि दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है. शायद आप मोबाइल कंपनी में, मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट वाइज, अच्छा तुझे प्रोडक्ट लग रहा है, मैं रीजन वाइज जरा देख लूं कि किस किस रीजन में अच्छा मोबाइल बिक रहा है. मर्जी है आपकी. तो यूजर्स को जरा दुखती रख देख लें, यूजर्स क्या पसंद करते हैं. यूजर का फीडबैक ले सकते हैं आप को फॉर्म सर्कुलेट करके. शेयर होल्डर्स के आप क्या पसंद करते हैं, आप प्रोडक्ट वाइज पसंद करेंगे या वो पसंद करेंगे? क्योंकि डायरेक्टर्स और सीओडीएम तो खर्द में आ गए, वो दोनों वाइज पसंद कर रहे हैं. An entity shall disclose information to enable the users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the activities in which it engages and the economic environment in which the entity operates. और जो economic environment है आप देख लें वो कौन सी में आप deal कर रहे हैं. Okay, यानी जिस environment में deal कर रहे हैं, environment भी आपके users ही बताएंगे. Okay, इस पहले को इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में देखेंगे. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स भाई जान. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स केमिकल, सोडा, फार्मा. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स. एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेपरेट इंफॉर्मेशन. चल चल के बस हो जाएगी. एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेपरेट इंफॉर्मेशन. एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेपरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट. अबाउट ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट. A segment is reportable segment if it passed 10% test, it passed 10% test and it is operating segment as per para number 5. It is operating segment as para 5 tha na, wo jo teen cheeze thi. It is operating segment as per para number 5. Yani it has been identified as operating segment. Operating segment definition kahan di hui hai? Para 5 mein.
और रिजल्ट्स फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ टू और अच्छा टू और मोर सेगमेंट्स को ना एग्रीगेट भी कर सकते हैं। एग्रीगेशन को अभी अंडरलाइन कर लें, ये मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा वरना चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। एग्रीगेशन को कल पढ़ लेंगे, लेकिन डेफिनेशन में बता दें कहां है। तो अब मुझे बता दें इसने ये क्यों लिखा है, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ सेगमेंट जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पूरी करे और साथ 10% टेस्ट भी पूरा करे, दैट विल बी कॉल्ड एज एन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। रिपोर्टेबल तो अब अगर इसके हेड ऑफिस के एसेट्स 12% से ज्यादा है, 15% है, 16% है, तो इसको क्यों नहीं रिपोर्टेबल बना सकते? ओ भाई एसेट्स 15% है, 20% है, क्यों नहीं रिपोर्टेबल बना सकते जल्दी बताएं? ये ऑपरेटिंग सेगमेंट डेफिनेशन में मीट नहीं करता। तो रिपोर्टेबल मैंने आपको बताया ये तीन है, क्यों ये तीन है, बिकॉज दीज आर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड दे पास, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज। तो रिपोर्टेबल बनने के लिए दो शर्त बताएं, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए जिगर तुम्हारा ऑपरेटिंग सेगमेंट होना जरूरी है, और दूसरी शर्त देख रहे हैं आप लोग, और दूसरी शर्त क्या है, 10% टेस्ट आपका पास होना जरूरी है। 75 वाला भी है लेकिन वो उसने ना अगले सफे पे ऐसे जिक्र कर दिया, अगले सफे पे आए बस बस आपके सबर का इम्तिहान खत्म हो रहा है, और मैं नहीं पढ़ा रहा थ्योरी, ये 10% वाली बात पढ़ रहे हैं, 75% वाली। 10% कौन थी, 33 थ्रेशोल्ड, मैंने एक पैरा छुड़वा दिया एग्रीगेशन वाला, सफे के एंड वाला पैरा भी छुड़वा दिया, सफे के टॉप वाला भी। 10% टेस्ट क्या होता है, एन एंटिटी शैल रिपोर्ट सेपरेटली इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव, 10% किसी एक को भी क्रॉस कर दे, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इसलिए हम किस रेवेन्यू पे स्टार लगाते थे, टोटल पे, इट्स टोटल रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू, ये भी इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल होना चाहिए, तो इसका 10% लेते थे ना, ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, डन। द एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है साइन इग्नोर कर दें, ये आपको बताया था, प्रॉफिट्स उठाते हुए प्रॉफिट्स के साइन इग्नोर कर दें, लॉसेस उठाते हुए, द एब्सोल्यूट का मतलब होता है साइन इग्नोर करें, साइन इग्नोर करके आप प्रॉफिट्स उठाएं और साइन इग्नोर करके क्या उठाएं, लॉसेस उठाएं, और फिर दोनों में से ग्रेटर लेते थे, ग्रेटर लेते थे, कंबाइंड प्रॉफिट्स को अलग से जमा करते थे जिनका लॉस नहीं आ रहा था, अंग्रेजों वाली अंग्रेजी लिख दिया ना इसमें, मैं क्या करूं, प्रॉफिट्स को अलग जमा करते थे जिनका लॉस नहीं आ रहा था, और लॉसेस को अलग जमा करते थे जिनका प्रॉफिट नहीं आ रहा था या जो लॉस शो कर रहे होते थे, और इन दोनों में से फिर क्या उठाते थे, ग्रेटर, और 10% ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। इसलिए मैं आपको कहता था कि भाई जान ये जो 10% टेस्ट है ना, ये आपने सिर्फ तीन चीजों पे लगाने, ये आपने सिर्फ तीन चीजों पे 10% टेस्ट लगाने और किसी पे नहीं लगाना। अच्छा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ये एक बात है, आप इसका मतलब बताएं, कितने लोग समझ आ गया, हाथ खड़ा कर दें, 90% लोग हाथ खड़ा कर दें। एक ऐसा सेगमेंट है ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसका जवाब 7% है एसेट, 7% रेवेन्यू, 7% प्रॉफिट्स, और यूजर समझ रहे हैं कि ये सेगमेंट जरा मुनासिब होगा और आप भी समझ रहे हैं कि डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तो कहते हैं उसमें क्या मसला है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही डिस्क्लोज करना है, करें कोई मसला नहीं, ज्यादा चीज शो करने में कोई मसला नहीं, कम से कम चीजें वाले स्टैंडर्ड बताते हैं, ज्यादा चीज अगर आप शो करना चाहें तो इट्स अप टू यू, जितने मर्जी शो करें आप जाके। अच्छा ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल एंड सेपरेटली डिस्क्लोज, अगर आपको लग रहा है तो फिर उसे सेपरेटली डिस्क्लोज भी करें, अलग लाइन डाल के, मे बी सेपरेटली डिस्क्लोज इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट वुड बी यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, एन एंटिटी मे कंबाइन पॉलिएस्टर और पेंट विच डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, एन एंटिटी मे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, तो सबको मिक्स कर दें, that do not meet the quantitative threshold to produce a reportable segment only if operating segments have similar economic characteristics and share a majority of aggregation criteria listed in para 12. इस बात को कल पे रख दें, इस बात को कल पे रख दें, इनको भी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। इन द एंड 75% एक्सटर्नल टेस्ट, 75% किस पे लगाने, इन दोनों को कल कर लेंगे। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाई ऑपरेटिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज रेवेन्यू, additional operating segment shall be identified as until at least 75% is included. Until का मतलब बताएं, हो सकता है एक डाल के 75% ना टेस्ट पास हो, तो फिर दूसरा डाल के 75%, तो 75% तक आपने पहुंचाना है। इट्स ओवर।
अच्छा जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। भजन बड़ी मजे की बातें शुरू होने लगी हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, लाइट पड़ी है, कोई मसला नहीं, खैर है। मैंने दो तीन लफ्स बोलने, फिर मैं डायग्राम खोल देनी है। ये मैंने लफ्स लिखा है प्रोडक्ट वाइज। क्या लफ्स लिखा है? प्रोडक्ट वाइज। मुझे बताएं इस ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज डिस्क्लोजर मैं दूं या ऑलरेडी दे दिया है? लेकिन अगर इसका जियोग्राफिकल बना होता तो प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल आपको अलग शो करनी पड़ती, वो डिस्क्लोजर फिर अलग से बनाना पड़ता। फिलहाल ये डिस्क्लोजर अलग का शो करे क्या बना हुआ है। लेकिन अगर ये डिस्क्लोजर क्या होता तो फिर आप क्या शो करते हैं यूजर को? प्रोडक्ट वाइज एक्सटर्नल सेल। ओके, ये एक लफ्ज हो गया प्रोडक्ट वाइज। पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान और, ये डेटा जी आपके सामने है डिस्क्लोजर, इसमें मुझे बता दें पाकिस्तान की सेल कितनी है और फॉरेन कंट्री की कितनी है। इन दो डिस्क्लोजर ने हाथ खड़े कर दिए। तीसरा नोट हम बनाएंगे 37.2, इसमें हम क्या क्या अलग अलग शो करेंगे? ओ भाई जान, सेल की जान ले सकते हैं ना, पाकिस्तान में कितनी हो रही है और बाहर के मुल्क में कितनी हो रही है। ये तो प्रोडक्ट वाइज है अभी, तो पाकिस्तान की सेल कितनी है और बाहर के मुल्क की सेल कितनी है, और पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट कितने हैं और बाहर के मुल्क के नॉन करंट एसेट कितने हैं। बस दो चीजें बतानी है, पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री का डाटा में दो चीजें बतानी है, पाकिस्तान की सेल कितनी है, बाहर की सेल कितनी है, और पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट कितने हैं और बाहर के नॉन करंट एसेट कितने हैं। और तीसरी चीज, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। कॉलेज के लिए कौन मेजर कस्टमर है? नो 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 वन इज मेजर कस्टमर फॉर कॉलेज। कोई एक बच्चा उठ के कहे मैं जा रहा हूं कॉलेज छोड़ के, मैं मिसाल दे रहा हूं, कॉलेज वाले से कहेंगे तो नहीं, कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है जाए यार, ये दरवाजा खोल दे इनको, कॉलेज ठप हो जाएगा। कोई मेजर कस्टमर कॉलेज के लिए नहीं है, कॉलेज का बिजनेस एसएस के लिए मेजर कस्टमर कोई नहीं है, स्कूल के लिए कोई मेजर कस्टमर नहीं है। स्कूल वाले के स्कूल एक बच्चा के टीचर मैं नाराज हो गया हूं, जाओ दरवाजा खोल दे इनको, हम अपने बच्चे को ले जाए, देयर इज नो मेजर कस्टमर। बट पीएसओ वालों से डेवो वालों का माहदा हुआ है कि डेवो बस ने पेट्रोल सिर्फ पीएसओ से डलवाना है। अब अगर मैं और आप जाके कहते हैं पीएसओ को चलो मैं नहीं कल से आया करूंगा पेट्रोल वाले जाएं जाएं, अच्छा डेवो वाले जाके ओ चलो मैं नहीं आया, तो नहीं यार ऐसा ना करें, आप आया करें, आप ही तो मेरा कस्टमर है। आप अगर चले गए तो 100 बसों में रोजाना 50 लीटर पेट्रोल महीना सा, नहीं हम ठप हो जाएंगे, खुदा के लिए आप ना जाइएगा, हम ठप हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है बिजनेसेस में मेजर कस्टमर हो? क्या बिजनेस रिलाय कर सकते हैं मेजर कस्टमर के ऊपर? इसका कौन मेजर कस्टमर है यार? हमें नहीं पता केमिकल किसको बेच रहे हैं, हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केमिकल जे डॉट वालों को बेच रहे हो, जे डॉट वालों अच्छा खासियत से केमिकल खरीद रहे हो, और जे डॉट वालों ने केमिकल का सप्लायर बदला, तो ये जो हल्का फुल्का केमिकल में आपको बहारें नजर आ रही है ये भी इंशाल्लाह नजर आनी बंद हो जानी है। तो आप बताएं क्या हमें बताना चाहिए कि हमारा मेजर कस्टमर पे रिलायंस कितना है? बोले 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 हमारा बताना चाहिए मेजर कस्टमर पे रिलायंस कितना है। अच्छा ये कंपनी है वो केमिकल बेचती है और केमिकल बेचते हुए वो कंपनी जे डॉट को भी केमिकल बेच रही है मिसाल के तौर पे, और निशात लिनन वालों को भी केमिकल बेच रही है, और जो है वो मिसाल के तौर पे लंडा टेक्सटाइल को भी केमिकल बेच रही है। तो अब ये तीन किस्म के लोगों को केमिकल बेच रही है, तो अब आप मुझे बता दें ये तीनों इसके अलग अलग क्या होंगे? मेजर कस्टमर। अब मेजर कस्टमर के नाम क्या इस एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने चाहिए कि मैं केमिकल सोडा फार्मा और पोलिएस्टर पेंट बनाती हूं, और मैं केमिकल इतना बेचती हूं जे डॉट को, इतना बेचती हूं निशात लिनन को, इतना बेचती हूं लंडे की दुकान को, इतना इतना केमिकल बेचती हूं, क्या इसके नाम बताने चाहिए? स्टैंडर्ड कहते हैं बिल्कुल नहीं भाईजान, नाम ना बताना, ये आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, और अपने कस्टमर्स के बारे में लोगों को बताया ना करो, नजर लग जाती है। आपने कस्टमर्स के नाम नहीं बताने, आपने कस्टमर्स के नाम नहीं बताने। मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले बताएं ये पढ़ने आए हैं इधर हमारे पास, तो कॉलेज को नजर लग जाएगी ना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो इसलिए कॉलेज वाले नहीं बताते ये पढ़ने आए हैं। अच्छा तो रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर में क्या रिलैक्सेशन है? कस्टमर का नाम ना बताएं। अच्छा मेजर कस्टमर वो होगा जिसको आप 10% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टोटल नहीं, कस्टमर तो होता ही एक्सटर्नल है, कस्टमर तो होता ही बाहर का बंदा है। मेजर कस्टमर कौन होगा जिसको आप 10% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं? अब मिसाल के तौर पे जे डॉट वालों को 8% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं, जे डॉट वालों को 8% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं, और इसी तरह वो जो निशात लिनन वालों को 12% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं, और लंडे वालों को 15% एक्सटर्नल सेल कर रहे हैं, इन दोनों में से मेजर कस्टमर कौन है? आखिरी दो या सारे तीन? आखिरी दो आपके क्या समझे जाएंगे? मेजर कस्टमर।
अब आप इंग्लिश के अंदर एक फिक्रा लिख के आएंगे, जेरो डॉलर को कितनी सेल कर रहे थे भाई जान, डंडे में जेरो डॉलर को कितनी सेल कर रहे हैं 8%, पेपर होने आपका एफर्ट होगा, तैयार रहे, अच्छा 8% वो हो गया, उसको कितनी कर रहे थे 12%, और तीसरे को 12 जमा 15, बस आपने एक फिक्रा लिख के आने, 27% ऑफ आवर एक्सटर्नल सेल इज मेड टू टू मेजर कस्टमर्स, बस 27% ऑफ आवर टोटल सेल इज मेड टू टू मेजर कस्टमर। एक छोटी सी चीज और बतानी है, उससे क्या बेच रहे हो, एंड द सेल इज ऑफ केमिकल एंड सोडा, मिसाल के तौर पे उनको हम केमिकल और सोडा बेच रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, इट विल बी कॉल्ड एज रिलायंस ऑन। क्या ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर है या सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर है, क्या ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर है या सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर है, एंटिटी वाइड। ये डिस्क्लोजर हमने नहीं पढ़े थे कल, ये बिल्कुल नए डिस्क्लोजर है। सर इनमें और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में क्या फर्क है, मैं बताता हूं, ये जो हमने कल पढ़े थे डिस्क्लोजर इनमें और आज जो नए पढ़े एंटिटी वाइड उनमें क्या फर्क है, उनमें फर्क सिंपल सा है कि ये जो मैंने नई तीन चीजें पढ़ाई हैं ये कल हमने नहीं बनाई थी, बस ये फर्क है इनमें। दूसरा फर्क सुन ले, प्रोडक्ट वाइज मैंने क्या है सेल आपने बतानी है, अल्लाह का शुक्र है इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट वाइज सेल मैंने आपको दिखा दी थी कल। क्या इस इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान के एसेट्स और फॉरेन नॉन करंट एसेट्स आपको पता चल रहे हैं, क्या इस इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान की सेल और फॉरेन सेल आपको पता चल रही है, नहीं पता चल रही। क्या इस इंफॉर्मेशन से एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर आपको पता चल रहा है, तो नहीं है पता चला तो फिर नोट 37.2 37.3 आप डालेंगे और बताएंगे हमारी फला फला चीजें भी हैं, ये भी डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। और अगली और आखिरी बात, हर बात के साथ ही आप ही कहते हैं, अगली और आखिरी बात इस कॉन्सेप्ट की वो ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका बॉस का मतलब होता है घंटे बजे, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका उसने ये वाले डिस्क्लोजर क्या खाक बनाने हैं, कैसे बनाएगा ये डिस्क्लोजर, वो अब क्या करे वो बेचारा, कैसे बनाएगा डिस्क्लोजर, वो तो ये डिस्क्लोजर नहीं बना सकता एक ऑर्गेनाइजेशन वाला। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, सिर्फ एक, कहते हैं हम बेचते ही बल्ब है और 50 साल से परदादा के जमाने से हम बल्ब बेच रहे हैं, बस एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है हमारा, सेनेट कहते हैं आप ये तीनों डिस्क्लोजर दें, ये तीनों डिस्क्लोजर दें, प्रोडक्ट वाइज में तो वही आ जाएगा बल्ब की सेल पूरी, पाकिस्तान में कितने बल्ब बेचते हो, तुर्की में कितने बल्ब बेचते हो, अमेरिका में कितने बल्ब बेचते हो, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको बेचते ही बल्ब रहते हो, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। आपके साथ वाले की किताब में ना एक सफा है, आपके साथ वाले की किताब में एक सफा है, हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ एक काम करे, क्या कोई भी एक काम करे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके हमने एंटिटी वाइज डिस्क्लोजर ढूंढने हैं। पेज नंबर आपके साथ वाले की किताब में है, पेज नंबर है भाईजन 50569, पेज नंबर है जी 569। यहां स्क्रीन पे आपको शायद अच्छा नजर ना आ रहा हो लेकिन बुक में मैंने कोशिश की प्रिंट हो जाए, नजर आ रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने ढूंढी, यानी टीचर ने घर में बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी थी जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, और इनका नोट इस तरह का नहीं होगा आपको मिलेगा, इनका नोट इस तरह का नहीं होगा, इनका नोट क्या होगा, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। यहां अच्छा नहीं नजर आएगा, किताब पे नजर आएगा, पेज नंबर 569, नई किताबें। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट, नंबर वन। तो शुरू में ही हमने फतवा दे दिया भाई, हम सिंगल ही है बस, तो हमारे से कोई दूसरे ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स रिप्रेजेंट 90, यार हो सकता है कि 2-3% और भी सेल होती हो, वो अभी इस काबिल नहीं थी कि उसको आप लिफ्ट कराते। तो रेवेन्यू फ्रॉम केबल्स एंड वायर्स रिप्रेजेंट 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट बताना जरूरी था ना, सेल रिप्रेजेंटेड लोकल सेल ऑफ इतने एंड एक्सपोर्ट सेल ऑफ इतने, सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल ऑफ इतने, नई चीज आई है मार्केट में, सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल ऑफ इतने एंड फॉरेन सेल ऑफ, एंड एक्सपोर्ट सेल ऑफ इतने, डन। डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट सेल, डिटेल ऑफ, अब ये दोबारा नहीं उठेगा, एक्सपोर्ट सेल की डिटेल तो इसी में आ जाएगी ना, यूएई तक पहुंचे हुए हम, पाकिस्तान केबल्स यूएई में चल रही हैं, साउथ अफ्रीका में जाए आप, पाकिस्तान ये करीब अफगानिस्तान चले जाए, एक्सपोर्ट सेल बोले बोले कितनी 52.15, ये एक्सपोर्ट सेल है। ये भाई छोटी छोटी चीजें देखा सर, आजकल आई हमने नया काम शुरू किया, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, डेटा देके कहते हैं मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सेल का जो टोटल है यही नीचे होना चाहिए ना,
ये नीचे होना चाहिए, तो हल्की फुल्की चीजें होती हैं, देख लिया करें, और इधर इधर बीच में पिशावट होगा हो मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो डन 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 ओके। अच्छा जी नेक्स्ट, पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री की सेल बतानी थी और नॉन करंट एसेट बताने थे। ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी एट टीसून आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, यानी बाहर सिर्फ केबलें जाती हैं, बाहर बिल्डिंगें नहीं बनाई हुई। हमारा भी इतना लेवल नहीं हो अफ्रीका में बिल्डिंग बना लें, तो हम सिर्फ बेचते हैं बाहर के मुल्क में चीजें, सारे नॉन करंट एसेट पाकिस्तान पड़े हुए हैं। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर, द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर, ऐसा कुछ किस्मत हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको हम 10% सेल करें, 1-2% सेल हम उसे करते हैं, वो बंदा किसी और के पास चला जाता है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर हैविंग सेल ऑफ 10% और मोर ड्यूरिंग द ईयर। इस साल भी हमारे साथ यही हुआ है और पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ था। ना इस साल कोई ऐसा कस्टमर है जिसको 10% या उससे ऊपर बेचते हैं, ना पिछले साल कोई ऐसा कस्टमर है जिसको 10% या उससे ज्यादा बेचते हो। क्लियर हो गया? अब कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हमें चढ़ा हुआ दिमाग के ऊपर जिसमें ये चीजें आ रही हो, यानी 10% कस्टमर वाली बात आ रही हो, जाना रही हो, बल्कि आ रही हो। ये कौन से डिस्क्लोजर इस ऑर्गेनाइजेशन को देने पड़े हैं? सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर देने पड़े हैं या एंटिटी वाइज डिस्क्लोजर? एंटिटी वाइज डिस्क्लोजर उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी देने हैं जिसका एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी देने हैं जिसके एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अभी मैंने एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के दिखाए हैं जिसका एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तीन एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ढूंढ दें। नंबर वन, सेल की परसेंटेज पता चल गई प्रोडक्ट वाइज, बाकी 3% को नहीं शो किया उन्होंने, सेल की परसेंटेज पता चल गई प्रोडक्ट वाइज। दूसरा डिस्क्लोजर स्क्रीन के पीछे क्या छुपा हुआ है? पाकिस्तान और एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की सेल और फॉरेन सेल, और उसमें सिर्फ सेल और नॉन करंट एसेट, और कुछ नहीं बताना। और तीसरी बात, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। पैकेजेस की फाइनेंशियल डाउनलोड अपलोड हो चुकी हैं और मुझे यकीन है आपने डाउनलोड कर ली होंगी, और डाउनलोड करके आपने जो है वो अपने पास सेव कर ली होंगी। इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगी वो। आई होप कि आपने सेव की हुई है, आप अपने मोबाइल के ऊपर उसको खोल रही हैं, पीडीएफ की फॉर्म में फाइल अटैच है, बाकी सारी पिके पुके आपने डिलीट कर दी हुई है क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी। कौन सा पेज था ये भाईजान? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वाला नोट भी बना रही है? ओ भाईजान यार फीस दी हुई है, इधर देखें। ओ भाईजान उस क्लास में सारे भाईजान इधर देखें, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, चलो आपने देख लिया कि वो देख रहे हैं, अब आप मेरी तरफ देख लो। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये वाले, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये वाला डिस्क्लोजर भी बना रही है, ये वाला भी बना रही है, और एंटिटी वाइड भी बनाएगी। ये ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर भी बनाएगी। अच्छा पहले जरा ये वाला डिस्क्लोजर देखते हैं। टोटल रेवेन्यू, आपस का रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, परसेंटेज भी रेवेन्यू की दे दी उन्होंने, शायद परसेंटेज इसी चक्कर में दे दी कि वो एंटिटी वाइड कवर हो जाए, प्रोडक्ट वाइज कितने परसेंट है, तो ये शायद उन्होंने इसलिए दे दी। इधर इंटरेस्ट रेवेन्यू यानी इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लास्ट टाइम आपको दिखाया था डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट ऑफ टैक्स, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटीज, और ये पैकेजिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंक डिवीजन, रियल एस्टेट, पेपर बोर्ड, अनलिमिटेड नहीं लिखना चाहिए था इसको, ऑल अदर सेगमेंट्स लिखना चाहिए था। इसके बाद ना इसने वो वाला जो है ना अगला वाला, वो असल में इसने ना थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया। वो इसने किस तरीके से बनाया, मिसाल के तौर पर इसने अगर मैं एसेट्स पकड़ूं, सेगमेंट एसेट्स, तो इसने सेगमेंट एसेट्स की ना रिकॉन्सिलेशन बनाई है। वो ना रिकॉन्सिलेशन उसने इस तरह नहीं बनाई, इसने सारी चीजें एक जगह नहीं डाली, इसने इसकी अलग बनाई है रिकॉन्सिलेशन, फिर इसकी अलग बनाई है रिकॉन्सिलेशन, फिर इसकी अलग बनाई है रिकॉन्सिलेशन, फिर इसकी अलग बनाई है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ रिकॉन्सिलेशन ऑफ सेगमेंट एसेट्स, रिकॉन्सिलेशन ऑफ सेगमेंट एसेट्स में क्या आएगा? रिपोर्टेबल के एसेट्स, नॉन रिपोर्टेबल के, हेड ऑफिस के एसेट्स, तो टोटल एसेट्स फॉर रिपोर्टेबल आ गए। इंटर सेगमेंट एसेट्स भी कोई एक दूसरे के पास ट्रांसफर किए होंगे, ये भी होंगे। अदर कॉर्पोरेट एसेट्स, ये कौन से होंगे? हेड ऑफिस के एसेट्स, और ये एसेट्स आपके मैच करेंगे एज पर बैलेंस शीट, टोटल एज पर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के आपके एसेट्स से मैच करेंगे। तो लेकिन इसने रिकॉन्सिलेशन शो पूरा करने के लिए ना प्रॉफिट्स की भी बनाई है, एसेट्स की भी बनाई है, लाइबिलिटीज की भी बनाई है, टैक्स की भी रिकॉन्सिलेशन बना दी। अगर किसी चीज की आप ज्यादा रिकॉन्सिलेशन बना दें कोई मसला नहीं है, अगर आईकैप भी कहते तो ज्यादा बना दीजिएगा, वरना रिकॉन्सिलेशन हमने 4-5 ही बनाई थी।
रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। तो रिकॉन्सिलेशन अगर कोई एक्स्ट्रा कहते तो बना दीजिएगा, वरना रिकॉन्सिलेशन इन चीजों की बनानी है। और प्रॉफिट्स की इसने रिकॉन्सिलेशन बनाई है, और प्रॉफिट्स की रिकॉन्सिलेशन के अंदर जो है वो, हाँ ठीक है छोड़ें इसको भाई। ये क्या आ गया, इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, इंफॉर्मेशन बाय पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, रेवेन्यू नॉन करंट एसेट्स। ये कौन सा डिस्क्लोजर अब शुरू हो गया, एंटिटी वाइड। और भाईजान ये तो पैकेजेस हैं, ये तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में जुए में नहीं होंगे, ये तो जिम्बाब्वे और बोस्तवाना में भी पहुंचे हुए हैं और मोजम्बिक में भी पहुंचे हुए हैं। तो ये टोटल आन दो ना, ये इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया, ये कौन सा डिस्क्लोजर है, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। अच्छा ये पता नहीं आप लोगों ने काम शुरू कर दिया, यानी पीडीएफ में जाके ना उसको एडिट करते हैं और साथ 52.6 खोल के यहां एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर लिख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, जब ये पैक मीठी मीठी हो रही है, मीठी मीठी फैटी मीठी। ये रेवेन्यू हो गया, और ये क्या हो गए, नॉन। यूके में कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, और पाकिस्तान में ये सारे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री अलग अलग आ गए, ये सारा डाटा आ गया इन द एंड। इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। अच्छा मुझे बता दें, प्रोडक्ट वाइज आपको सेल पता चल रही थी इस सफे पे, इस सफे के जो पीछे छुपी हुई है चीजें, और दूसरा नॉन करंट एसेट बाहर के मुल्क और सेल बाहर के मुल्क की पता चल गई। अच्छा ये जो होती है ना, ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान और बाहर के मुल्क के अतबार से नहीं बनी हुई, ये तो सेगमेंट वाइज बनी हुई है, ये सेगमेंट वाइज बनी हुई है। और ये कैसे बनी हुई है, पाकिस्तान की सेल और बाहर के मुल्क की सेल। शर्म सी आ रही है बाहर के मुल्क की सेल बताते हुए पाकिस्तान की सेल के सामने, पाकिस्तान के नॉन करंट एसेट्स और बाहर के मुल्क के नॉन करंट एसेट्स। इन द एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू, टोटल से मतलब एक्सटर्नली होगा इधर, इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू फ्रॉम सिक्स कस्टमर्स, पिछले साल फाइव थे, सिक्स कस्टमर, उनके नाम नहीं बताए, सिक्स कस्टमर ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द पैकेजिंग, फ्रॉम द पैकेजिंग, फ्रॉम द पैकेजिंग, not from consumer product, not from ink, not from real estate, included in the total revenue is revenue from six customers of group from the packaging which represents approximately 1,495,583,000 तो 14 अरब रुपए माशाल्लाह हमें कितने लोगों से आ रहे हैं, 6 लोगों से। और अगर वो अरबी उन्होंने अरबों ने हमें चंडी करा दी तो फिर हम भी भारत हो जाएंगे। तो 6 बंदे मिलके हमारी कितनी सेल कर रहे हैं, 14 अरब। तो बता दें आप ये मेजर कस्टमर है या माइनर से हैं, माइनर से हैं भाई, कह रहे हैं मैं खरबों में खेलता हूं, आप अरबों की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूडेड इन द टोटल रेवेन्यू, खरबों से मुराद फलस्तीनी है और अरबों से मुराद अरबी है, तो पता नहीं ये मतलब ले रहे हैं। अच्छा इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम सिक्स कस्टमर्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम द पैकेजिंग सेगमेंट व्हिच रिप्रेजेंट एप्रोक्सीमेटली इतना रेवेन्यू, पिछले साल इतना रेवेन्यू था ऑफ द ग्रुप टोटल रेवेन्यू। ग्रुप रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स इज अर्न्ड फ्रॉम अ लार्ज मिक्स ऑफ कस्टमर्स, इसका क्या मतलब है, ग्रुप रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स इज फ्रॉम अ लार्ज मिक्स ऑफ कस्टमर्स, छोटे मोटे कस्टमर्स हैं, बाकी छोटे मोटे कस्टमर्स हैं। माशाल्लाह मोटी सामियां जो है हमारी पिछले साल 6 थी और पिछले साल 5 थी और इस साल कितनी है, 6 हैं। तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमने साथ साथ दी हुई है। सो अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपके सामने सवाल का डेटा रखूं और आपको 5 मिनट दूं और आप एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स खुद बनाएं। ये आपके सामने मैंने फॉर्मेट खोल दिया, केबल्स वाला वो फॉर्मेट था वो जरा ज्यादा आसान था, इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। तो ये अब आपने डिस्क्लोजर बनाने हैं, गौर लिमिटेड से नीचे वाला सवाल करने, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, गौर लिमिटेड से नीचे वाला सवाल कर दें, पेज नंबर 453 बनाएं। ये डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर क्या होते हैं, कभी हम स्टेटमेंट फॉर्म में चीजें दे देते हैं, कभी हम टेबल बना के चीजें दे देते हैं, जैसे भी आपको पसंद आ रहा है बना दें, बस टेबल फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म में चीजें दे दें। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, अज्यूम फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल गौहर के बारे में, 1,000 मिलियन ऑफ एक्सटर्नल सेल ऑफ गौहर इज टू इंग्लैंड एंड रिमेनिंग इज इन पाकिस्तान। इधर देखें, 1,000 मिलियन ऑफ एक्सटर्नल सेल इज टू इंग्लैंड एंड बाकी इज इन पाकिस्तान। तो अभी थोड़ी देर पहले वो हमने देखा है, अच्छा इन्होंने कैसे किया था, यूएई वालों ने, उसके केबल्स वालों ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था, यूएई का था, अफगानिस्तान का था और
साउथ अफ्रीका का था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था, उन्होंने एक्सपोर्ट सेल का ब्रेकअप दे दिया था, तो इम्प्लाइड था बाकी पाकिस्तान सेल है, और पैकेजेस वालों ने ज्यादा अच्छा किया, क्या किया था, पाकिस्तान का नाम अलग लिखा था और बाकियों का नाम अलग लिखा था, तो बेहतर है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का नाम अलग लिख लेते हैं, बाकियों का नाम अलग लिख लेते हैं। बनाएं जी हिम्मत करें, ये 2000 कौन सा साल है, 15, लेकिन पेपर में पता होना चाहिए कि 14 का डिस्क्लोजर भी बनाना पड़ सकता है अगर डेटा 2 सालों का दे दे। अच्छा जी क्या लिखूं, सेल, सेल इसमें क्या, एक्सपोर्ट सेल, इंग्लैंड, चाइना, मलेशिया, है नहीं ना सवाल में, आपके समझ निकले कर रहा हूं, इंग्लैंड की कितनी है, 1000, और पिछले साल का डाटा अवेलेबल नहीं है सवाल में, तो पिछले साल का डाटा सवाल में अवेलेबल नहीं है, आगे बताएं यार, पाकिस्तान सेल, यार ये ना पता चलानी पड़ेगी, इसका टोटल एक्सटर्नल सेल लेना है आपने, चले मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूं, ताकि पेपर में भी अगर आप लिख देंगे इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे, ये एक्सटर्नल और टोटल ना लिखते रखने जहां जहां यूज हो रहे हैं। एक्सटर्नल सेल कितनी है, 2694। और पाकिस्तान की सेल बैलेंसिंग निकालने बेहतर है, 1694। एक काम यार और करें, जो सवाल में डेटा नहीं है, ताकि ये आपका मुकम्मल हो जाए, क्या नॉन करंट एसेट कौन बोले, वेल डन, नॉन करंट एसेट का भी बना दें, डेटा नहीं है सवाल में, नॉन करंट एसेट का भी बना दें, ताकि आपका ये डिस्क्लोजर ना पूरा हो जाए। ये कौन से हम डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज, एंटिटी वाइड, एंटिटी वाइज नहीं, एंटिटियां कोई दो चार नहीं, एंटिटी वाइड ओवरऑल लेवल का डिस्क्लोजर। एक्सटर्नल सेल के बाद कौन सी सेल डालूं, कोई सेल नहीं डालूं, क्या डालूं, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, एज ऑन या एडिशंस, एज ऑन होते हैं ये, एज ऑन होंगे, एज ऑन होंगे, नॉन करंट एसेट्स एज ऑन, कैरी डाउन वाले होंगे, जो एडिशन है वो नहीं, नॉन करंट एसेट एज ऑन, एज ऑन कौन कौन से जी, नहीं नहीं सेल का लफ्ज़ नहीं लिखना, अब आपने बस इंग्लैंड और पाकिस्तान, बिल्कुल गलत भाई ने, बिल्कुल गलत बोला भाई ने, बिल्कुल गलत बोला भाई ने, कोई फिगर वहां से उठाने की कोशिश की है मोहतरम, ये फिगर नहीं आप उठा सकते, ये नॉन करंट एसेट्स नहीं है, ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स हैं, इसमें करंट भी है नॉन करंट भी है, तो सवाल में डेटा नहीं है, जबरदस्ती फिगर्स मत उठाएं अभी। यार बेहतर है इसी फॉर्म में लिख दो, टेबल फॉर्म में बना दो बेहतर है, कोई मसला नहीं, थ्योरी में आप लिखते रहो, असल में जब चीजें इस तरह चल रही होती हैं तो मुल्क वाइज आगे सेल जरा ज्यादा अच्छी प्रेजेंट हो जाती है। यार इसका फिक्रा बनाएं, इसका फिक्रा बनाएं, ये फिक्रा लिख लें इधर से आप, पॉइंट टू को सामने रखें और इस तरह का फिक्रा बनाने की कोशिश करें अपने सवाल को देख के, शुरू कर देना इंक्लूडेड इन, ऊपर हेडिंग दें इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर, हेडिंग दें इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर, इंक्लूडेड इन टोटल रेवेन्यू, वैसे यार ये टोटल ना आपको कंफ्यूज करेगा, इधर एक्सटर्नल लिख लें, ये एक्सटर्नल होता है, टोटल इन्होंने वैसे लिखा हुआ है, हम स्टूडेंट के तौर पे एक्सटर्नल लिखेंगे, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम टू कस्टमर्स, मेजर नहीं वो आगे इंग्लिश का फिक्रा बोलना है, टू कस्टमर्स फ्रॉम फलां डिवीजन लिख दें, क्योंकि सवाल में ना डिवीजन नहीं बताया हुआ, फ्रॉम फलां डिवीजन ये बताना जरूरी है, क्या चीज बेच रहे हैं, फ्रॉम फलां डिवीजन विच रिप्रेजेंट्स, अप्रोक्सीमेटली रहने दो, टोटली लिख दें, विच रिप्रेजेंट्स 700 मिलियन ऑफ नहीं ग्रुप नहीं ऑफ एंटिटी कर दें, ग्रुप की जगह एंटिटी कर दें, ऑफ एंटिटी एक्सटर्नल सेल, बस ये फिक्रा बनेगा। लाइट जाने से ज्यादा चंद रहा था, अच्छा चलो बत्ती बंद ही रखा करो फिर। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल इज सेल फ्रॉम टू कस्टमर्स फ्रॉम फलां डिवीजन विच रिप्रेजेंट 700 मिलियन ऑफ एंटिटीज एक्सटर्नल सेल। अच्छा ऐसा भी सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि असल में ना कॉन्सेप्ट बस समझ लिया करें, फिर पेपर में वो जिस मर्जी फॉर्म में आ जाए, ऐसा भी सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि शीदे को सेल की है, टली को सेल की है, और गामा को सेल की है, और बशीर को सेल की है, हमारी एक्सटर्नल सेल है 100 रुपया, और इसको हमने किया 12 रुपये, इसको 10 रुपये, इसको 11 रुपये, इसको 9 रुपये, इसको 6 रुपये, अब डिस्क्लोजर कैसे बनेगा। नहीं वो भाई ने सीधे टली का नाम नहीं बताना,
मैं सीधे का नाम बताना ना, टली का नाम बताना है, पेपर में उसने टली हम जाने लग जाने आपकी। इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सेल इज सेल फ्रॉम टू कस्टमर्स। एक्सेलेंट, टू कस्टमर। सीधा टली नहीं बताना, ये तो पेपर में देखेगा कि आप नाम लिख के आ रहे हैं। नाम लिखना तो मन है, नाम वैसे बता दें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाम नहीं लिख के आना, कोई जरूरी नहीं है नाम लिखना। फ्रॉम फलां डिवीजन विच रिप्रेजेंट्स 23 मिलियन ऑफ एंटिटी एक्सटर्नल सेल। जो एंटिटी के एक्सटर्नल सेल का कितने परसेंट बन रहे? 23%। क्लियर? क्या ग्रुप रेवेन्यू फ्रॉम लार्ज मिक्स ऑफ कस्टमर्स? डैश में आप डिवीजन का नाम लिख दो, एक्सरे डिवीजन। प्रोडक्ट नाम, प्रोडक्ट यानी क्या बेच रहे हैं आप उसको? अंडे, अमरूद या सोडा, जो भी नाम है आप वो नाम लिख देंगे। डन, ओके। अच्छा ये एक चीज बनाइए, ये इंशाल्लाह आपको ना आज मैं आपके घर पहुंचवा दूंगा, तो आपने कुछ यूजर नेम पासवर्ड डालने होंगे, ये चीज खुल जाएगी। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, पैरा 32 प्रोडक्ट या सर्विस वाइज एक्सटर्नल सेल आपने बतानी होती है। और पैरा 33 ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, क्या मतलब? एक्सटर्नल रेवेन्यू और नॉन करंट एसेट फॉर कंट्री ऑफ डोमिसाइल यानी पाकिस्तान एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज। ये कौन से डिस्क्लोजर हैं? एंटिटी वाइड, ये मैं आज के नोट्स में ना अपलोड कर दूंगा साथ। और पैरा 34 रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, इफ रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल कस्टमर इज इक्वल टू, और इक्वल टू वाला भी डालना है, इक्वल टू और एक्सीड 10% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच सच कस्टमर, कस्टमर आइडेंटिटी नॉट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच सच कस्टमर को रहने दे, बस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स मैं इसको कर दूंगा अपलोड करते हुए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, ईच कस्टमर का अलग अलग तो नहीं बताया जा रहा ना। और सेगमेंट्स रिपोर्टिंग दोस, इसका क्या मतलब है? वो जो भाई पूछ रहा था कि किस किस प्रोडक्ट के अंदर आप जो है वो उसको चीजें बेच रहे हैं, तो इन डिस्क्लोजर्स का नाम जो हमने आज पढ़े हैं बोले क्या है? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर किस किस ने बनाने हैं? केबल्स वालों ने क्यों बनाने हैं? उनका तो सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वो पागल है बनाए, उन्होंने भी बनाने हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट वाले ने भी बनाने हैं, और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर मोर देन वन सेगमेंट वाले ने भी बनाने हैं। इसलिए हमने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखे हैं और केबल्स वालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखा है कि दोनों ये डिस्क्लोजर बना रहे हैं। किताब निकाल लें, इसको पढ़ लें पूरी, मैं 2-3 मिनट की आपको ब्रेक दे रहा हूं, ये पढ़ लें। कौन कौन सा पैराज है? 32, 33, 34। वैसे अल्लाह का शुक्र है निकल गई है, आज की क्लास पूरी थ्योरी बेस्ड थी, आपको पता नहीं चला। अच्छा थोड़ा सा चलना फिरना पड़ा, पेज पता चल रहा था, हमारे से पूछो हमें पता चल रहा था। पेज नंबर 439, हेडिंग बताएं जी, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, या पेज नंबर है 439। पैरा 32 से 34 चाहता है कि सारी एंटिटीज इंक्लूड करें, चाहे उनका सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट हो। फिर भी सिंगल वाली हमने किस पेज पे पढ़ी है? 569। सिंगल वाली हमने पेज 569 पे पढ़ी है। क्या क्या शो करना है जी? रेवेन्यू फ्रॉम फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। गौर वाले सवाल में क्यों नहीं जरूरत पड़ी रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट? क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट वाइज अवेलेबल है। ज्योग्राफिकल एरिया, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, इसलिए मैं आपको एक्सटर्नल सेल कह रहा था। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, पैकेजेस वालों ने टोटल रेवेन्यू लिखा था, वो कंफ्यूजिंग लफ्ज था। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड नॉन करंट एसेट्स एट्रिब्यूटेड टू कंट्री ऑफ डोमिसाइल, कौन सी? पाकिस्तान एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज इन द। ये बात मैंने आपसे नहीं की, इफ मेटीरियल देन फॉर ईच कंट्री सेपरेटली, इफ मेटीरियल देन फॉर ईच कंट्री सेपरेटली। लेकिन मुझे ये यकीन है कि पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वालों ने इस लाइन को लिफ्ट नहीं कराई, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने इस लाइन को लिफ्ट नहीं कराई। ये अफगानिस्तान वाली सेल मटेरियल है, बहरीन वाली भी मटेरियल लग रही है मुझे, बांग्लादेश वाली भी मटेरियल है, यूएई मटेरियल है मिसाल के तौर पे, कीनिया वाली भी मटेरियल है, जिम्बाब्वे वाली कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर यह नीचे आ रही है 5417, ये भी कोई मटेरियल नहीं है, सेल भी मटेरियल नहीं है। स्टैंडर्ड इजाजत दे रहा था कि कंट्री वाइज ब्रेकअप ना दो, कतर को तंजानिया को और जिम्बाब्वे को अगर आप चाहते हो तो फारक कर दो, अदर्स के नाम से डाल दो, इजाजत है, कोई मसला नहीं। तो बताते हैं ये जो कंट्री वाइज ब्रेकअप देना जरूरी है या मटेरियल वाइज, मटेरियल चीजों का ब्रेकअप दे दें, मटेरियल का ब्रेकअप दे दें, कंट्री वाइज को देना जरूरी नहीं है। लेकिन दिल चाह रहे तो फिर सारी कंट्रीज का दे दें, वो तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रेकअप वाली बात समझ आ गई, इफ मटेरियल देन फॉर
each country separately. Major customer, an entity disclose the extent of its reliance on major customers by stating, kya karta hai? Number one, if revenue from a single customer amount to 10% or more of the entity's total external revenue, the total revenue from each such customer, total show karte hain, alag alag show karne ki zarurat nahi, each ka lafz usne likha hai, lekin log kare alag alag. और फायदा कोई नहीं होना ना, कस्टमर नंबर वन से इतना है, टू से इतना है, नाम तो उनके बताने नहीं आपने, तो फिर ब्रेकअप देने का फायदा क्या. एंड द सेगमेंट्स रिपोर्टिंग द रेवेन्यू, और सेगमेंट्स जिनमें से वो क्या रेवेन्यू आ रहा है, यानी सोडा बेच रहे हैं क्या बेच रहे हैं. एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ मेजर कस्टमर. आपने मेजर कस्टमर की आइडेंटिटी बताना जरूरी नहीं है कि ये मेजर कस्टमर कौन है. ये कौन से जी डिस्क्लोजर हो गए, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर हो गए. अच्छा जी, पिछला सफा है, रिकंसिलिएशन किस किस की बनाई है हमने, रेवेन्यू की, प्रॉफिट्स की, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की. ये आईकैप अक्सर बना रहे, बनाने की जरूरत नहीं होती. स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि ये वाली रिकॉन्सिलेशन आपने बनानी है, ये वाली रिकॉन्सिलेशन बनानी है. चीजें लिंक करते रहे साथ साथ. यहां लिखे पैरा 28, पैरा 28 रिकॉन्सिलेशन कौन कौन सी है जी, बोले बोले बोले. सेगमेंट रेवेन्यूज की, नंबर टू प्रॉफिट्स की, नंबर थ्री, नंबर फोर. अब ये क्या चक्कर है यार कि आईकैप कभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल रहे हैं और पैकेजेस वाले टैक्स की भी रिकॉन्सिलेशन बना के दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है. स्टैंडर्ड ने ओपन छोड़ा हुआ है एवरी अदर मटेरियल आइटम, तो पेपर में क्या करेंगे. पेपर में अगर ज्यादा नंबर हुआ, डाटा दिया हुआ इनकी रिकॉन्सिलेशन का, तो बना दीजिएगा रिकॉन्सिलेशन. और क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की भी रिकॉन्सिलेशन बन सकती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकॉन्सिलेशन पेपर कह दे, तो बनाएंगे या साथ वाले का मुंह देखेंगे. नहीं, साथ वाले का मुंह बाद में देख लीजिएगा, वो तो इधर ही है. इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका 3 रुपए, इनका 2 रुपए, और हेड ऑफिस का इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 रुपए, तो जमा कर दिया. डेप्रिसिएशन की रिकॉन्सिलेशन खुदा ना खास्ता कह दे कि ये मटेरियल है डेप्रिसिएशन, तो बट ठीक है. तो ये बड़ा ओपन है, जिसकी वजह से ना लोग बड़ा चीज को यूज कर रहे हैं, जिसका दिल चाहता है जिस मर्जी चीज की बना देते. ठीक है, स्टैंडर्ड ने भी आपकी जजमेंट पे छोड़ा हुआ है. ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, ऑल रिकंसाइलिंग आइटम्स, ये मैंने कल भी आके बनाना सारा, ऑल रिकंसाइलिंग आइटम्स शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड. All reconciling items shall be separately identified and described. For example, amount of each material adjustment needed to reconcile the reportable profits or losses arising from different accounting policies shall be separately disclosed and described. Or in the end, segment analysis. ये है पैरा 23, नहीं नहीं खत्म होगी ना बात. ये पैरा 23 और 24 है. इसका नाम क्या, बोले 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 बोले. ये तो कल करा दिया था स्टैंडर्ड के अंदर से खोल के. पैरा 23 और 24. पैरा 23 और 24. पैरा 23 और 24 भाईजन, इसमें ये 5 चीजें नहीं है, इसमें तो कोई 25-30 चीजें हैं. इसमें 25-30 चीजें हैं. वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम नहीं याद करने आपने, कौन कौन सी हैं, बोले 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 बोले. कल आपको स्टैंडर्ड से दिखाई थी मैंने. प्रॉफिट्स, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, एक्सटर्नल सेल, इंटरेस्ट इनकम, ये सारा कहां शो करना है हमने. ये रिकॉन्सिलेशन में शो करना है या रिकॉन्सिलेशन की जो तैयारी हो रही है उसमें शो करना है. रिकॉन्सिलेशन बनाने की जो तैयारी हो रही है वहां शो करनी है चीजें. डेप्रिसिएशन एंड अदर मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पे राइट डाउन्स, रिस्ट्रक्चरिंग हमारे 37 में पढ़ेंगे, कोई डिस्पोजल, कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो भी अलग से शो कर दें. एंटिटीज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, आईएस 28 में पढ़ेंगे हम. एंटिटीज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, आईएस 28 लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ. इक्विटी मेथड वगैरह क्या है, आईएस 28 में पढ़ेंगे. इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स इनकम, कई जगह टैक्स होता है कई जगह रिफंड होता है. मटेरियल नॉन कैश आइटम्स, मिसाल के तौर पे अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कौन सा मटेरियल नॉन कैश आइटम हो सकता है, इंपेयरमेंट. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन दोनों में मैंने क्या फर्क बताया था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इनका प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का मतलब है जैसे बैंक में आपने 100 रुपए रखवाया, और प्रॉफिट का मतलब है उससे 12 रुपए इंटरेस्ट मिला. तो इंशाल्लाह ये आईएस 28 में हम देखेंगे. इन्वेस्टमेंट होती है कितने पैसे के आपने किसी के शेयर खरीदे, और प्रॉफिट होता है उस पर कितना डिविडेंड उसने दिया. एंड एडिशंस टू मोहतरम, यहां एडिशन टू नॉन करंट एसेट शो करनी है. यहां क्या शो करनी है, एडिशंस टू. और वो जो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर था उसमें नॉन करंट एसेट पाकिस्तान वाले और बाहर के मुल्क वाले एज ऑन शो करने हैं. ओके, अब मैं आपसे चंद सवाल पूछने लगा हूं. पूरी सारी चीजों की समरी, वर्किंग वन में क्या क्या जाना है. वर्किंग वन में एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट, दुनिया की और कोई चीज नहीं जानी. ये कौन सी होगी, वर्किंग वन होगी. वर्किंग वन के बाद सेगमेंट एनालिसिस में क्या जाना है, पैरा 23 एंड 24. पैरा 23 एंड 24 ये 20-25 चीजों की लिस्ट है. रिकॉन्सिलिएशन 4 चीजों की मस्त बनानी है,
टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, अदर मटेरियल आइटम्स में आपकी मर्जी है, अदर मटेरियल आइटम्स की आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये पैरा नंबर 28। आखिरी चीज एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, उसमें अगर प्रोडक्ट वाइज सेल ऑलरेडी नहीं आ रही तो प्रोडक्ट वाइज सेल बताएं। नंबर टू, एक्सटर्नल सेल पाकिस्तान और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कंट्री वाइज ब्रेकअप तब दें जब मेजर सेल हो रही हो किसी कंट्री को, यानी कि मटेरियल सेल हो रही हो, और नॉन करंट एसेट एज ऑन पाकिस्तान वाले और नॉन करंट एसेट एज ऑन बाहर के मुल्क वाले, और आखिरी चीज एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर। तो अल्लाह का शुक्र एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि कहां पे कौन सी चीज किस वक्त लेके जानी है और किस वक्त कौन सी चीज को अप्लाई करना है। ओके, अदर मटेरियल आइटम जो आपको मटेरियल लगे तो आई क्या फिर बता देगा, मैं मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से और आइटम्स हैं जिनको आप मटेरियल समझ रहे हो। चलिए स्टैंडर्ड्स में हाईलाइट कर लेंगे चीजें, स्टैंडर्ड खोलें, अब हम अपना टाइम जाया करें, स्टैंडर्ड खोलें, लेके आए हैं हम वैसे पार्ट A1। पैरा वन पढ़े आज कोर प्रिंसिपल किताब में, हाईलाइट कर लें। पैरा वन A1 स्टैंडर्ड है, A1 कंडीशन मुझे नहीं पता उसकी है या नहीं, लेकिन बाहर A1 लिखा हुआ है। तो A1 में IFRS 8 ढूंढने, IFRS 8 में साथ वाले की किताब पे नजर रखें, अल्लाह आपको भी किताब दे, आई कैप में शॉर्ट हो गई है, अल्लाह अपने खजानों से किताब दे आपको। A1 में IFRS 8 ढूंढ लें। अच्छा जी, पैरा वन, इसके बाद फिलहाल मैं अभी इंपॉर्टेंट पैरा हाईलाइट करवा रहा हूं, वरना पैरा से बहुत ज्यादा है। पैरा 5, ये कौन सा था, मेयर रेवेन्यू एंड इनकम एक्सपेंसेस। जब ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा ना परसों, तो आपने मुझे याद कराने, मैं इसके हाईलाइट करके PDF अपलोड कर दूंगा, हाईलाइट करके सारा टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। CODM का जिक्र हुआ था, किधर है CODM, और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लास हमने बोला था, ये कौन सा पैरा हो गया, पैरा 5 हो गया। ये चीजें ऑपरेटिंग सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाएंगी। नेक्स्ट, फिलहाल जरा मैं ना मेन पैरास की तरफ आ रहा हूं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, पैरा 13, 10%, 10% और 10%, तीन चीजों का लेना होता है ना 10%, ये क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स हो गए, देख रहे हैं साथ वाले शो। अच्छा, ये 75% वाला किधर है, पैरा 15। असल जो पैरा है ना वो ये 23 है, 23 कौन सा वाला पैरा है, सेगमेंट एनालिसिस, जहां पे 20-25 चीजें आनी है। ये सारी चीजें ABCDEFGH आए, बाकी ये नीचे वाले पैरा को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको हाईलाइट करके दे दूंगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स, अमाउंट ऑफ एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स, मेजरमेंट छोड़ दें, रिकॉन्सिलेशंस किस किस की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट्स की और एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, अदर मटेरियल आइटम्स की, ये रिकॉन्सिलेशंस होगी। और कौन से डिस्क्लोजर, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, पहला इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल एरियाज, इसमें एक्सटर्नल कस्टमर, बाहर वाले भी, पाकिस्तान वाले भी, आगे कहानियां पढ़ने की जरूरत है, और नॉन करंट एसेट्स, बाहर पाकिस्तान वाले भी और बाहर वाले भी, और इन द एंड इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर्स। अच्छा, आपसे एक मशवरा चाहिए था, फिर कैमरा इधर ले आओ, वो ना कर दूं बात, कर दें बात, अपवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड, अच्छा
पिछले साल ऑपरेटिंग सेगमेंट 9% टेस्ट में फॉल करा था, यानी पिछले साल हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट को लिफ्ट नहीं कराई, और इस साल ऑपरेटिंग सेगमेंट 11% पे चला गया। कैसा हो सकता है? हो सकता है। पिछले साल नॉन रिपोर्टेबल था, इस साल क्या बन गया? रिपोर्टेबल। कंपैरिजन में पिछला साल देना चाहिए। अब मशवरा मांग रहा हूं, मशवरा मांग रहा हूं, आपके जहन में क्या आ रहा है? बोले 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 बोले। आप कहते जाते जाते भी आपको स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है, कितनी फिक्र हो रही है आपकी दुनिया की। अच्छा, तो 2010 है और 2011 है। 2010 में 10% टेस्ट लगाया तो फेल हो गया, तो आपने कहा यार ये सेगमेंट भी कोई सेगमेंट है, फारिक कराओ, ऑल अदर में डाल दिया। लेकिन अगला साल आया, दिन रात मैनेजर ने एक किया, मैनेजर ने कहा तुम सबकी ऐसी की तैसी, मैं अपनी सेल दिखाता हूं कितनी है। और मैनेजर ने दिन रात एक करके 11% सेल माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर दी। अब मुझे बताएं इस साल ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड कहते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दें, अनलेस कि आप ये कह दें कि बड़ा बड़ा खर्चा हो जाने और बड़ा मुश्किल काम है, देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर और बात है। लेकिन ये बातें कल पढ़ा दूंगा, जहन में आगे बात समझ आ गई। इधर मशवरा दे दें, इधर मशवरा दे दें, बोले बोले इधर इधर क्या हुआ? 2010 के अंदर रिपोर्टेबल था और 2011 में बोले 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 क्या बन गया? नॉन रिपोर्टेबल बन गया। तो 10 के अंदर जो है वो 11% है और 11 के अंदर 9% है। किताब दिखाओ, मशवरा दें, फिर मैं स्टैंडर्ड ने स्टैंडर्ड का बताऊं क्या करें। मशवरा दें, पिछले साल तो करेंगे करेंगे डिस्क्लोज, क्यों करेंगे डिस्क्लोज? रिपोर्टेबल है। इस साल मशवरा, 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 भाई आपका मशवरा नहीं मिला। स्टैंडर्ड कह रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट और मटेरियल है तो आप यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है तो कर दें डिस्क्लोज, और अगर आपका दिल चाह रहा है तो ना करें, आपकी मर्जी है। सिग्निफिकेंट है तो कर दें। बहरहाल ये बातें कल लिखूंगा, अभी मैंने कुछ बताई नहीं। जाते जाते आखिरी बात, आखिरी बात जो आपने अपने जहनों में बिठानी है, अल्लाह का शुक्र है पिछला सारा आपने वर्किंग वन से लेके मुझे एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर तक अभी रिवाइज कराया है। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि उस किस किस में क्या क्या चीजें आनी है। आखिरी बात आपसे जाते जाते पूछ रहा हूं, पिछले साल क्या है? नॉन रिपोर्टेबल। भाईजान 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 हिलजुल नहीं, हिलजुल नहीं, मैं भी हिल सकता हूं। पिछले साल क्या है? नॉन रिपोर्टेबल। तो पिछले साल की वर्किंग में यहां तो नहीं आया होगा, इस साल क्या बन गया? आपने अभी पैकेजेस में देखे कंपैरिजन साथ आ रहे होते हैं, तो बेहतर है जब 11 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट करा के भेजें तो पिछले का भी डाटा डाल दें, अगर पॉसिबल हो, अगर ज्यादा खर्चा ना हो रहा हो, जल्दी से डाटा मिल जाए। इधर पिछले साल क्या है? रिपोर्टेबल। इस साल फार्मा को नजर लगी, फार्मा एक साल में तो रिपोर्टेबल था, अगले साल फार्मा को नजर लगी, क्या करें? अगर आपको लगे यूजर के लिए यह बात सिग्निफिकेंट है तो कर दें, वरना करने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल आप कराइएगा, आपके कोई पांच से सात तो नहीं, ये सारी वर्किंग रिकॉन्स्टिट्यूशन बनानी होगी, कितना टाइम लग जाएगा? 500 से 700 मिनट। वैसे ये यहां से लेके वर्किंग वन से लेके वर्किंग टू थ्री डाल के यहां तक कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 15 से 20 मिनट भाई फरमा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं ना भाईजन, ये सवाल जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कीजिएगा। अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज नहीं करेंगे तो दोनों फिगर्स आपको 13 रुपए और 13 रुपए नजर आ रही होंगी, वो फिर गलत नतीजे पे चली जाएंगी। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने सवाल बनाया था, बनाने के बाद पता चला कि सवाल इतना बॉर्डर पे नहीं बनाना चाहिए था कि स्टूडेंट को मसला हो जाए, इसलिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज करें। वो भी कौन सा सफा था जो हमने खोला था? 569। तो फिर 568 के ऊपर होगा सवाल, 567 पे सवाल है जी, अल्लाह का शुक्र है उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। 567 पे सोल्यूशन देखिए, आपने क्वेश्चन बनाना है पेज 567, क्वेश्चन देखिए सोल्यूशन बना लीजिएगा। अच्छा, ऑन रखो, वो हजरात हाथ खड़ा करें कि हम टर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब वो कहें, वो हजरात हाथ खड़ा करें जो मेरी कभी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, टेस्ट रूम में कौन कौन जाएगा? जाएंगे, देखेंगे, जो जो सवाल हो सके वो करेंगे, हर सवाल का आधा पोर्शन करेंगे, यही आपका इम्तिहान है भाईजन, वरना लोग बड़े परेशान होते हैं जाके। जी भाई का कोई सवाल है? रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं अकेले में इनका जवाब दूंगा।